तो आज के प्रोबेबिलिटी के लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप कैसे अपने लेक्चर को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बिल्कुल हमने सभी चैप्टर्स की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है और साथ ही साथ हमने क्लास 9th की एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है और साथ में क्लास 9th का जो है हमने अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो कैसे आपको जाकर देखना है, तो सबसे पहले आपको यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में आपने ये जो है ऐसे चले गए, एंटर किया आपने यूट्यूब में। यूट्यूब में जाने के बाद आपको सर्च करना है हमारे चैनल का नाम। देखिए सबसे ऊपर है हमारा चैनल का नाम पुअर्स ट्यूटोरियल्स, या आप डाल भी सकते हैं पुअर्स ट्यूटोरियल्स, ट्यूटोरियल्स, ठीक है, पुअर्स ट्यूटोरियल्स यहाँ पर आ गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे, हमारे इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। आप होम पेज पे आपको यहाँ पर सारी वीडियोस मिलेंगे। वीडियो में आप जाएंगे तो वीडियो में आपको अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वीडियोस आपको सारे वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे देखने को, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप अपने ज़रूरत की वीडियोस यहाँ पर से देख सकते हैं, कौन सी वीडियो, कौन सी लेक्चर आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। जैसे ट्रायंगल्स आपको पढ़ना है क्लास 9th का, तो ट्रायंगल्स क्लास 9th की हमने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ट्रायंगल के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9th की आपको सभी लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से, इसी तरह से हमने सभी के जैसे RRB, ये बैंकिंग वगैरह का जो है कुछ कंपटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरम्स इंपॉर्टेंट प्रूफ्स वगैरह भी हमने करा दिए, तो इनकी हमने अलग प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है ना। तो साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आप देखिए ये कंप्लीट मैथ्स NCERT RD शर्मा क्लास 9th, ठीक है। तो क्लास 9th की एक अलग प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, क्लास 9th की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी लेक्चर्स हमने पढ़ाए हुए हैं क्लास 9th के, अभी भी लेक्चर कंटिन्यू चल रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखिए नंबर सिस्टम लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, 4, 5, एकदम आपको सिक्वेंस वाइज आपको सभी लेक्चर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सभी लेक्चर आपको अकॉर्डिंग टू द सिक्वेंस आपको एकदम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखते जाइए, एकदम सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी ढूंढने में लेक्चर्स को। आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, और हमारे सारे लेक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी ट्रायंगल्स तक हमारा कंप्लीट हुआ है और आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी का लेक्चर भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बैक करके दिखा देता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में जाने के बाद हमारे चैनल का नाम पुअर्स ट्यूटोरियल्स को सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप प्लेलिस्ट में आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो वीडियो आप देखना चाहते हैं, जो लेक्चर आप देखना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द योर इंटरेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि, और यहाँ पर क्लास 9th की अलग प्लेलिस्ट है, 50 लेक्चर क्लास 9th में आपके हो चुके हैं, तो यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब आपका लेक्चर होने वाला है, शुरू स्टार्ट होने वाला है प्रोबेबिलिटी का, आप उसको पूरा पढ़िएगा, अंत तक देखिए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पुअर्स ट्यूटोरियल्स पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले आपने शुरुआत में आपने देखा होगा, हमने आपको बताया है कि किस तरीके से आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वीडियोस चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके ज़रूरत की वीडियोस हैं वहां से आप पिक कर सकते हैं। और क्लास 9th का हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है, और जो चैप्टर्स हैं उनका भी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, और टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट भी आपको अवेलेबल है। तो हमने प्लेलिस्ट एकदम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम होने ना पाए, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दिए हैं, जैसे क्लास 9th के लेक्चर का कंप्लीट लेक्चर जो पढ़ाया जा रहा है उसका हमने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। और साथ ही साथ कैलकुलेशन ट्रिक्स का भी हमने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। और हमने आपको शुरुआत में भी ट्यूटोरियल बता दिया है किस तरीके से आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां से अपनी ज़रूरत की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, ज़रूरत के लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ऊपर हेडिंग है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे।
आज हम आने वाले नहीं थे लेक्चर लेने के लिए, क्योंकि हमारी तबीयत कुछ आज ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन बच्चों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे दोस्तों के हमारे कि सर पढ़ा दीजिए प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में भी शायद फर्स्ट टर्म का भी सिलेबस है कुछ जगहों पर, जो है ये प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, इसलिए प्रोबेबिलिटी हम आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी पूरा बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, बेसिक से एकदम ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा प्रोबेबिलिटी आप एकदम स्टार्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी की, ठीक है ना। फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी कौन बताएगा, कौन बताएगा कि फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी, फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी कौन है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के पिताजी कौन है, प्रोबेबिलिटी के जनक कौन है, एनीबडी। चलिए, प्रोबेबिलिटी के जो फादर हैं उनका नाम है ब्लेज पास्कल, नाम आपने सुना होगा ब्लेज पास्कल, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ब्लेज पास्कल, क्या नाम है उनका, उनका नाम है ब्लेज पास्कल, जी हाँ, ये वही पास्कल हैं जो यूनिट है प्रेशर की, ठीक है, प्रेशर की जो यूनिट होती है पास्कल होती है, तो ये वही साइंटिस्ट हैं ब्लेज पास्कल जिनके नाम पर प्रेशर की यूनिट रखी गई है, ठीक है, इन्हें प्रोबेबिलिटी का फादर कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। हालांकि प्रेशर की दो यूनिट होती है, एक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और दूसरी यूनिट होती है पास्कल, जो इन्हीं के नाम पर रखा गया है, ठीक है। अब आगे हम हर टर्म को एनालाइज करेंगे, जितने भी टर्म्स होते हैं प्रोबेबिलिटी में उसको जानेंगे, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो टर्म होता है वो होता है ट्रायल, क्या होता है, सबसे पहला जो टर्म होता है वो होता है ट्रायल, ठीक है ना, ट्रायल। तो वन सेकंड हम देख लें कि वीडियो कनेक्टेड है कि नहीं, माइक है। तो ट्रायल सबसे पहला टर्म होता है प्रोबेबिलिटी में ट्रायल, ठीक है, जिसको आप लोग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट आप करते हैं उसी को बोला जाता है ट्रायल, ठीक है। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट जो करते हैं, कोई भी रैंडम प्रयोग आप करते हैं उसी को बोला जाता है ट्रायल। जैसे कहा गया कि एक कॉइन को आप टॉस करिए, तो कॉइन का टॉस करना ही क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, एक ट्रायल है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है, एक ट्रायल है, ठीक। कहा गया डाइस को रोल करिए, तो डाइस को रोल करना ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक ट्रायल है, ठीक है ना। कहा गया आइए ताश के पत्ते खेलिए, तो ताश के पत्ते खेलना एक ट्रायल है, एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, तो ट्रायल जो वर्ड होता है उसका मीन्स होता है कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जो आप करते हैं उसी को बोला जाता है क्या, ट्रायल, क्या बोला जाता है, ट्रायल। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री इवेंट के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, बात करेंगे एलिमेंट्री इवेंट के बारे में, बात करेंगे एलिमेंट्री इवेंट के बारे में, ठीक। पहली चीज ये आपको समझ में आ गई, दूसरी चीज है आपका एलिमेंट्री एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट, तो इवेंट होता है आपका आने वाला आउटकम्स, ठीक है। इवेंट का सीधा सीधा मतलब आप समझिएगा, इवेंट जो है, इवेंट का सीधा सीधा मीनिंग होता है आउटकम्स, जो आने वाला आउटकम है, जो आने वाला आंसर है, ठीक है, या ऐसा ऐसा कहा जाए कि जो जो आपसे पूछा गया है, जिसके बारे में बात चल रही है, ठीक है, वही क्या है आपका एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है ना, वही आपका इवेंट होता है। जैसे हमने बात करी कि हमने एक कॉइन को टॉस करा, तो कॉइन का टॉस करना ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, लेकिन कॉइन को टॉस करने के बाद हेड्स या टेल्स आ सकते हैं, तो हेड्स या टेल्स आना,
ठीक है, ये आपका आउटकम है, ये आपका क्या है, आउटकम है, ठीक है, इसी को इवेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इवेंट का सीधा सीधा मतलब होता है, इवेंट का सीधा सीधा मतलब होता है आउटकम, ठीक है, इवेंट का सीधा सीधा मतलब होता है आउटकम। तो ये एलिमेंट्री का क्या मतलब है, एलिमेंट्री का मतलब होता है अलग अलग, मतलब डिस्क्रीट, ठीक है। जैसे आपसे कहा गया कि टॉस करने के बाद, कॉइन को टॉस करने के बाद हेड्स या टेल्स आएंगे, तो हेड्स या टेल्स आना आपका आउटकम है, आपका इवेंट है, लेकिन हेड एक अलग इवेंट है और टेल आना एक अलग इवेंट है, हेड आना एक अलग इवेंट है और टेल आना एक अलग इवेंट है, ठीक है। तो हेड अपना एक डिस्क्रीट इवेंट है, एक डिस्क्रीट आउटकम है, एक अलग आउटकम है, टेल आना एक अलग आउटकम है, ठीक है, समझ में आई बात। तो जैसे हमने डाइस को रोल करा, तो डाइस को रोल किए तो उसमें 6 डिस्क्रीट आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है ना, यानी 6 एलिमेंट्री इवेंट उसमें आपके पॉसिबल हो सकते हैं, 1 से लेके 6 तक में कोई भी आपका इवेंट हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई, तो एलिमेंट्री इवेंट का मतलब होता है डिस्क्रीट आउटकम, डिस्क्रीट आउटकम, ठीक, आउटकम्स, ठीक है, डिस्क्रीट आउटकम्स, ठीक है ना। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, आई बात समझ में, आई बात समझ में, एलिमेंट्री इवेंट का मतलब समझ में आ गया है। फिर से आप एक बात समझ लीजिए, एलिमेंट्री इवेंट का मतलब, इवेंट का मतलब होता है आउटकम्स, ठीक, आने वाली जो चीज है, ठीक है, वही होता है आपका आउटकम। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, हमने एक कॉइन टॉस करा, तो कॉइन टॉस करने के बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो हेड का आना, हेड का आना एक इवेंट है, हेड का आना एक आउटकम है, एक डिस्क्रीट आउटकम है, क्योंकि हेड तो एक ही आउटकम है ना, हेड क्या है, एक ही आउटकम है, इसलिए हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट आउटकम, एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कंपाउंड इवेंट के बारे में, किसके बारे में, कंपाउंड इवेंट के बारे में बात करेंगे, तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट आप समझिए कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट ये क्या होता है, जैसे हमने एक डाइस को रोल करा, डाइस को रोल करा, ठीक है, तो डाइस को रोल करने के बाद जो डिस्क्रीट आउटकम है, एलिमेंट्री इवेंट्स है, वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है ना, यानी 6 डिस्क्रीट आउटकम्स, यानी 6 एलिमेंट्री इवेंट्स पॉसिबल है, ठीक, बात समझ में आई। लेकिन लेकिन अगर कंपाउंड आउटकम की बात करी जाए, तो कंपाउंड आउटकम जो होते हैं वो आपका डिस्क्रीट आउटकम के मिलने से बनते हैं, ठीक है ना, डिस्क्रीट आउटकम के मिलने से आपके क्या बनते हैं, कंपाउंड आउटकम्स या कंपाउंड इवेंट्स, ठीक है, कंपाउंड इवेंट्स। इवेंट जहां कहीं भी आएगा आप उसका सेंस आउटकम से लगाएंगे, ठीक है ना, उसका सेंस आप कहां से लगाएंगे, आउटकम से लगाएंगे। जैसे हम बात कर रहे थे डाइस की, तो डाइस को जब रोल किया गया और रोल करने के बाद आपसे ये पूछा गया, आपसे ये पूछा गया कि इवेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवेंट नंबर आपका 2 भी है, इवेंट नंबर आपका 4 भी है, इवेंट नंबर आपका 6 भी है, तो कोई एक आउटकम तो पॉसिबल है नहीं, यानी कोई एलिमेंट्री इवेंट की बात यहाँ पर हम कर नहीं सकते, हम बात किस चीज़ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि तीन तीन एलिमेंट्री इवेंट्स पॉसिबल हैं, ठीक है ना, कितने एलिमेंट्री इवेंट्स पॉसिबल हैं, तीन तीन एलिमेंट्री इवेंट्स पॉसिबल हैं, 2 भी इवेंट है, 4 भी इवेंट है, 6 भी इवेंट है, ठीक है ना, तो 2, 4, 6 ये आपके जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, तीन एलिमेंट्री इवेंट्स मिल करके यहाँ पर आपका बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तीन एलिमेंट्री इवेंट्स जब मिल करके आए, या आप कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स जहाँ पर पॉसिबल हो, तो वहाँ पर बात होती है किसकी, कंपाउंड इवेंट की, किसकी बात होती है, बात होती है आपकी कंपाउंड इवेंट की, ठीक है ना। यानी कंपाउंड इवेंट के केस में आप क्या लिखेंगे, कंपाउंड इवेंट के केस में आप क्या लिखेंगे, मोर देन वन या एटलीस्ट टू एलिमेंट्री इवेंट्स आर देयर, ठीक है,
एटलीस्ट टू एलिमेंट्री इवेंट्स आर देयर, ठीक है ना। ठीक ठीक है, चलिए कंपाउंड इवेंट, मोर देन वन एलिमेंट्री यहीं पे लिख लीजिए, इवेंट्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो एक से ज्यादा आपके एलिमेंट्री इवेंट्स पॉसिबल होंगे, ठीक है, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? एग्जाम्पल समझ में आ गया कंपाउंड इवेंट का, ठीक है ना, कंपाउंड इवेंट का एग्जाम्पल समझ में आ गया। जैसे हमने डाइस को रोल किया, इवेंट नंबर के बारे में पूछ लिया कि इवेंट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवेंट नंबर एक तो है नहीं, इवेंट नंबर तीन तीन है, यानी तीन आपके जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं वो मिल करके आपका प्रोबेबिलिटी निकलेगी, ठीक है। तो वहां पर आप कंपाउंड इवेंट का इस्तेमाल करेंगे या कंपाउंड आउटकम भी आप बोल सकते हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? ट्रायल आपको समझ में आ गया, ट्रायल आपका एक एक्सपेरिमेंट होता है, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट। एलिमेंट्री इवेंट आपका डिस्क्रीट आउटकम होता है, ठीक है ना, क्या होता है डिस्क्रीट आउटकम, आने वाला जो आंसर है या पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है ये आप कह सकते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स जब मिलते हैं तो उसको कंपाउंड इवेंट बोलते हैं, या मोर देन वन एलिमेंट्री इवेंट्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो मोर देन वन एलिमेंट्री इवेंट्स आर पॉसिबल ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? अब ऑकरेंस ऑफ इवेंट के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? ऑकरेंस ऑफ इवेंट, ऑकरेंस ऑफ इवेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। ऑकरेंस मतलब हुआ कि नहीं हुआ, वो चीज़ घटी कि नहीं, घटना घटी कि नहीं। जैसे कहा गया कि आपने एक सिक्का लिया, ठीक है ना, एक कॉइन लिया, कॉइन को आप टॉस किया, ठीक है ना, कॉइन को आपने टॉस किया, ठीक है ना, तो कॉइन को आपने टॉस किया तो वहाँ पर क्या आया? हेड आया, टेल आया, कि हेड या टेल कुछ नहीं आया, ठीक है ना। तो कह दिया गया कि हेड आया कि टेल आया, ठीक है ना। तो हेड का आना एक इवेंट है, हेड का आना एक इवेंट है, क्वाइन को टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है, क्वाइन को टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन हेड या टेल का आना एक इवेंट है, एक आउटकम आ रहा है आपके पास। आपके पास क्या आ रहा है? एक आउटकम आ रहा है। तो जब आपके पास एक आउटकम आएगा तो उसको आप इवेंट बोलेंगे कि आपके साथ एक इवेंट हुआ, आपके साथ एक घटना घटी, ठीक है ना, आपके साथ एक घटना घटी, ठीक है। तो आपने जो है कॉइन को टॉस करा तो आपका आया हेड या टेल आया, तो हेड या टेल आ गया तो इसका मतलब आपका इवेंट ऑकर हो गया, आपका इवेंट, आपकी घटना घट गई। लेकिन अगर कहीं मान लीजिए घास में आप टॉस कर रहे हैं तो आपका सिक्का जो है खड़ा हो गया ना, हेड आया टेल आया, तो आप कहेंगे कि आपका इवेंट ऑकर नहीं हुआ, ठीक है ना, आपका इवेंट ऑकर नहीं हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बात समझ में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ऑकरेंस ऑफ इवेंट में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ऑकरेंस ऑफ इवेंट का ये मतलब है कि आपका वो आउटकम आया कि नहीं, जो पॉसिबल आउटकम्स थे वो आए कि नहीं आए, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? इतना आप नोट करिए, पहले हम हट जा रहे हैं थोड़ा। अब बात करते हैं फेवरेबल इवेंट की, फेवरेबल इवेंट, ठीक है ना, फेवरेबल इवेंट। किसकी बात करेंगे? फेवरेबल इवेंट की, ठीक है ना, फेवरेबल इवेंट के बारे में बात करेंगे। फेवर मतलब होता है किसी के पक्ष में आना, ठीक है ना, किसी के पक्ष में आना। तो किसके पक्ष में आना? क्वेश्चन के पक्ष में आना।
जैसे क्वेश्चन आपका था कि आपने एक डाइस को रोल करा, तो डाइस को रोल करने के बाद आपकी दो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दो आने की यानी टू आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो टू का आना ये फेवरेबल इवेंट है, टू का आना ये फेवरेबल इवेंट है, ठीक है ना। अगर आपने एक क्वाइन को टॉस करा, तो क्वाइन को टॉस करने पर एक हेड आएगा या तो टेल आया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड का आना एक फेवरेबल इवेंट है। क्या है? हेड का आना एक फेवरेबल इवेंट है, यानी जो क्वेश्चन में जिसकी प्रोबेबिलिटी की बात होती है वही फेवरेबल इवेंट होता है, ठीक है ना। इवेंट को हमने कहा था आप आउटकम से जोड़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फेवरेबल इवेंट को आप फेवरेबल आउटकम भी बोल सकते हैं, फेवरेबल आउटकम। क्या बोलेंगे? फेवरेबल आउटकम, ठीक है ना, फेवरेबल आउटकम, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत? कहीं से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करें, पूछ लिया करें, ठीक है ना। एक और बात हम लोग करेंगे यहां पर, वो है निगेशन ऑफ इवेंट। निगेशन ऑफ इवेंट, निगेशन ऑफ इवेंट, ठीक है ना। जैसे आपसे कहा गया कि आपने एक डाइस को रोल किया और वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपसे पूछा वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वन का आना एक फेवरेबल इवेंट है। एक क्या है? वन का आना आपका एक फेवरेबल इवेंट है। क्या है? फेवरेबल इवेंट है। ठंडी बहुत पड़ रही है, आपको स्वेटर वगैरह पहन के रखना है, ठीक है ना, फेवरेबल इवेंट है। तो वन का आना आपका फेवरेबल इवेंट है। तो वन का ना आना क्या है? वन का ना आना क्या है? वन का ना आना आपका निगेशन ऑफ इवेंट है। समझिएगा ध्यान से, वन का ना आना आपका क्या है? निगेशन ऑफ इवेंट है। यानी वन नहीं आएगा तो क्या क्या आ सकता है, वन नहीं आएगा तो क्या क्या आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है, सिक्स आ सकता है। यानी टू से लेकर के सिक्स तक का आना आपका निगेशन ऑफ इवेंट हो गया, ठीक है ना। अब हमने एक क्वाइन को टॉस किया, क्वाइन को टॉस किया और पूछा गया कि हेड्स का हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना। तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ये फेवरेबल इवेंट है हेड का आना। हेड का आना क्या है? फेवरेबल इवेंट है। तो हेड का ना आना क्या है? हेड का ना आना आपका निगेशन ऑफ इवेंट है। हेड का ना आना आपका निगेशन ऑफ इवेंट है। यानी टेल का आना आपका क्या है? निगेशन ऑफ इवेंट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टेल का आना ये फेवरेबल आउटकम है, ठीक है ना। और टेल का ना आना यानी हेड्स का आना ये निगेशन ऑफ इवेंट है। यहां तक कोई दिक्कत? निगेशन ऑफ इवेंट का मतलब समझ में आया? नॉट द फेवरेबल इवेंट। निगेशन ऑफ इवेंट का मतलब नॉट द फेवरेबल इवेंट, नॉट द फेवरेबल इवेंट और आउटकम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, और आउटकम। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत आपको? बताइए, सारी चीजें समझ में आई हैं? ट्रायल का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट। ये पहले आप इतनी सारी चीज समझ लीजिए, तभी आप आगे क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब डिस्क्रीट आउटकम, ठीक है ना, डिस्क्रीट आउटकम, अलग अलग आउटकम। जैसे डाइस को रोल किए तो वन से सिक्स तक आता है, तो वन आना, टू आना, थ्री आना, फोर आना, फाइव आना, सिक्स आना, ये सब क्या? एलिमेंट्री इवेंट। कंपाउंड इवेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट्री इवेंट के मिलने से बनता है क्या? कंपाउंड इवेंट। जैसे इवन नंबर का आना, ऑड नंबर का आना, प्राइम नंबर का आना, तो उसमें एक एक नहीं आएगा, ठीक है ना, उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स आएंगे। जैसे प्राइम नंबर की बात की तो टू, थ्री, फाइव, तीन तीन एलिमेंट्री इवेंट्स आ रहे हैं, तो वहां पर कंपाउंड इवेंट की बात होगी। ऑकरेंस ऑफ इवेंट, इवेंट आपका ऑकर हुआ कि नहीं, घटना घटी कि नहीं, हेड आया, ठीक है, या टेल आया,
हेड आया या टेल आया तो आपका इवेंट ऑकर हो गया, हेड या टेल कुछ नहीं आया यानी सिक्का खड़ा हो गया तो आपका ऑकरेंस इवेंट आपका ऑकर नहीं हुआ। फेवरेबल इवेंट जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा गया वो होता है फेवरेबल इवेंट। जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड का आना ये फेवरेबल इवेंट है। और निगेशन ऑफ इवेंट, फेवरेबल इवेंट का ना होना यानी फेवरेबल आउटकम का ना होना वो क्या होता है, निगेशन ऑफ इवेंट होता है। एक बात हमने समराइज भी कर दिया, ठीक है ना। अब बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की। अब इसको रब कर देते हैं हम लोग, है ना। इसको रब करते हैं, कहीं से कोई आपको दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, ठीक। कभी कभी बोर्ड लेवल पे ये सब टर्म्स आपसे पूछ लिए जाते हैं एक एक नंबर में, ठीक है ना। एक एक नंबर में आपसे ये टर्म्स जो है पूछ लिए जाते हैं बोर्ड्स में, ठीक। तो इन टर्म को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनकी मीनिंग क्या है, इन टर्म्स का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी कौन है ये आपको याद रखना है, कौन है, ब्लेस पास्कल, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कहिए, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है प्रायिकता, संयोग, चांस, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो किसी इवेंट की, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट किया कॉइन को टॉस करने का, ये दो एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कॉइन का टॉस करना और डाइस को रोल करना, ठीक है ना। तो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और कॉइन को टॉस किया, ठीक है ना। तो कॉइन को जब आपने टॉस किया तो पूछा गया कि हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मतलब क्या होता है, इवेंट मतलब होता है आउटकम। तो कौन सा आउटकम, हेड जो आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड जो इवेंट है, हेड का आना जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, वो होता है फेवरेबल आउटकम या नंबर ऑफ फेवरेबल, लिख लीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ लिया, हेड आना एक इवेंट है, हेड आना एक आउटकम्स है, ठीक है ना। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम जो क्वेश्चन पूछा गया है वही होता है फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, वन, हेड वन, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। जब सिक्के को टॉस करेंगे तो दो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, हेड या टेल। तो एक आपका फेवरेबल आउटकम और दो आपके क्या है, पॉसिबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी हेड की कितनी हो जाएगी, 1/2, क्या हो जाएगी, 1/2। यहां तक कोई दिक्कत आपको, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी,
कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। तो जैसे आपसे कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट ए की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट ए की, ठीक है ना, वो इवेंट ए कुछ भी हो सकता है, इवेंट ए, ठीक है ना, किसी ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जैसे इवेंट ए आपने हेड्स का आना, हेड्स का आना भी एक इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी हो सकता है, यहाँ पर एक या हेड हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आना है तो पी टी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस को रोल किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री, तो यहाँ पर पी थ्री आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है ना, इवेंट ए के आने की प्रोबेबिलिटी है पी ए, ठीक है ना, पी ए, पी ए क्या है, इवेंट ए के आने की क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। अब देखिएगा, हमने ये चीज ऊपर लिखी है, यही चीज हम यहां पर लिख दे रहे हैं कि पी ए किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है ना, ये हो सकता है। तो हमने मान लिया कि फेवरेबल आउटकम आपका m है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपका n है, ठीक है ना। तो पी ए की जो वैल्यू हुई वो क्या हो गई, m बाई n, क्या हो गई, m बाई n, ठीक है। तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, m बाई n, किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, m बाई n, ठीक। एक और चीज आपको ध्यान रखना है यहां पर कि जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जैसे आपने डाइस को रोल किया तो वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पूछ लिया गया, तो वन का आना ये एक फेवरेबल आउटकम है, वन का आना क्या है, एक फेवरेबल आउटकम है, ठीक है ना, वन का आना एक फेवरेबल आउटकम है। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, वन भी आ सकता है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये सब पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि फेवरेबल आउटकम हमेशा पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम से कम हो सकते हैं या उसके बराबर हो सकते हैं, या उसके बराबर हो सकते हैं, ठीक है ना, या उसके बराबर हो सकते हैं, ठीक। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब आपने डाइस को रोल किया तो इवन आपका टू फोर सिक्स हो गया, तो तीन है फेवरेबल आउटकम, कितने हैं, तीन है फेवरेबल आउटकम, कितने हैं, तीन है, दो चार और छः, लेकिन पॉसिबल आउटकम कितने हैं, छः, छः, यानी फेवरेबल आउटकम अभी भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से कम है, अभी भी पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम से कम है, ठीक है ना। अब अगर कह दिया गया कि एक डाइस को रोल किया गया और वन से सिक्स तक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वन से सिक्स तक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छः हो गए, कितने हो गए, छः फेवरेबल आउटकम हो गए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, पॉसिबल आउटकम भी छः ही है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी फेवरेबल आउटकम आपका टोटल पॉसिबल आउटकम से बराबर भी हो सकता है, उसके कम भी हो सकता है। लेकिन कहा गया कि वन से लेकर के सेवन तक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन से लेकर के सेवन तक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सेवन तो आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता, तो वन से सेवन तक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वन से सेवन तक, सेवन तो कभी आ ही नहीं सकता, है ना, यानी फेवरेबल आउटकम कभी भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम हमेशा टोटल पॉसिबल आउटकम से कम होंगे, ठीक है ना। यानी बताना इतना मतलब था कि जो m है, जो m फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम है, वो हमेशा, ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम यानी n के बराबर हो सकता है या n से छोटा हो सकता है, ठीक।
अब देखिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे m इज लेस देन और इक्वल्स टू n, ठीक, ये तो आप लिखेंगे m इज लेस देन और इक्वल्स टू n, क्योंकि m क्या है, m क्या है, वो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम है जो कि टोटल पॉसिबल आउटकम के या तो बराबर हो सकता है या तो उससे कम हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम जैसे कह दिया गया कि हमने एक डाइस को रोल करा तो जीरो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जीरो तो कभी आ नहीं सकता, जीरो तो कभी आ नहीं सकता, जीरो कोई फेवरेबल आउटकम होता नहीं है, जीरो कोई फेवरेबल आउटकम होता नहीं है, यानी फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, जीरो। एक बार और समझिए, जैसे हमने कहा कि एक डाइस को रोल किया तो सेवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सेवन कभी फेवरेबल आउटकम हो सकता है, सेवन कभी फेवरेबल आउटकम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हुए, नंबर ऑफ फेवरेबल, ऊपर ध्यान रखिएगा, ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम नहीं लिखना है आपको, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है ये लिखना है आपको। तो सेवन कभी नहीं आ सकता, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, जीरो, जीरो, ठीक है। यानी जो आपका m है वो n के बराबर, n से छोटा हो सकता है या जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा हो सकता है, ठीक है ना, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को हमारी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा, इधर हम तीनों में n से डिवाइड कर दे रहे हैं, तीनों में n से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो इधर हमने n से डिवाइड किया, इधर भी n से डिवाइड किया, इधर भी n से डिवाइड किया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये आपका जीरो हो गया, ये आपका m बाई n हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वन हो गया, वन हो गया। और पी ए इज इक्वल टू एम बाई एन था, यानी एम बाई एन इज इक्वल टू पी ए था, तो यही बात हम यहां पर लिखते हैं, एम बाई एन के जहां पी ए लिखते हैं, एम बाई एन के जहां पी ए लिखते हैं, और बात करते हैं इसकी, ठीक है, एम बाई एन के जहां पी ए लिख सकते हैं, पी ए इक्वल है एम बाई एन के। तो आपको यहां से एक बात समझ में आ गई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए, किसी भी इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी है, जो उसके आने की जो प्रायिकता है, उसके आने का जो संयोग है, जो चांस है, वो क्या है, जीरो से वन तक, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो से बड़ी या जीरो के इक्वल हो सकती है, वन से छोटी या वन के इक्वल हो सकती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, जीरो से कम नहीं हो सकती। आई बात समझ में, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो और वन के बीच में ही रहेगी, ठीक है। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप वन से ज़्यादा नहीं कह सकते, ठीक है ना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन से ज़्यादा नहीं हो सकती या जीरो से कम भी नहीं हो सकती। कहाँ से कहाँ तक होगी, जीरो से वन तक होगी, ठीक है ना, जीरो से वन तक हो सकती है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। इसको आप नोट करिए तुरंत, मैं थोड़ा सा पीछे हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और जहाँ ना समझ में आया आप हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। अच्छा, मान लिया हमने कह दिया कि पी ए, पी ए जीरो से वन के बीच में हो सकता है, तो जीरो भी तो हो सकता है। पी ए अगर जीरो हो गया तो इसका क्या मतलब है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो इवेंट पॉसिबल नहीं है, वो इवेंट पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो इवेंट कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, वो इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में बात हो रही है। जैसे आपने एक डाइस को रोल किया और पूछ लिया गया सेवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सेवन आने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, क्योंकि सेवन तो कभी आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि सेवन तो है ही नहीं वहाँ पर, वहाँ पर क्या है वन से सिक्स तक है, सेवन है नहीं, तो सेवन है ही नहीं, तो सेवन आएगा क्या, ठीक है ना, तो सेवन आने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। तो प्रोबेबिलिटी अगर जीरो है तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट,
इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, अच्छा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर वन हो गई तो इसका क्या मतलब है, वन हो गई तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो इवेंट सर्टेन है, वो घटना होना एकदम निश्चित है, ठीक, वो घटना होना एकदम निश्चित है। क्या बोलेंगे इसको, वन है तो इसको बोलेंगे सर्टेन इवेंट, क्या बोलेंगे सर्टेन इवेंट, ठीक है ना, क्या बोलेंगे सर्टेन इवेंट। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, देखते रहिए आप लोग, नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, यहां तक कोई दिक्कत है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, रब करते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन ऑफ इवेंट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन ऑफ इवेंट, ठीक है, इवेंट ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, हमने बताया निगेशन ऑफ इवेंट का मतलब वो इवेंट ना हो, वो घटना ना घटे, ठीक है, उसके अलावा दूसरी घटना घटे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन ऑफ इवेंट का क्या मतलब होता है, जैसे हमने बात की कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बार, ठीक है, तो हमने आपको निगेशन ऑफ इवेंट में नहीं बताया कि निगेशन ऑफ इवेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इवेंट अगर आपका ए है, इवेंट आपका अगर ए है तो इसका निगेशन ऑफ इवेंट होता है, इसका निगेशन ऑफ इवेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं निगेशन ऑफ इवेंट होता है, नॉट ए, नॉट ए या ए बार ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, नॉट ए का मतलब निगेशन ऑफ इवेंट ए, ए बार का मतलब निगेशन ऑफ इवेंट ए, ठीक है ना, निगेशन ऑफ इवेंट ए, ठीक। तो आपने यहां पे क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन ऑफ इवेंट ए, तो क्या होगा यहां पर, नॉट द फेवरेबल आउटकम ऑफ ए, क्या होगा, नॉट द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना। तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमने लिया था m बाई एन, ठीक है, m क्या था, m था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, तो वहां पर क्या है, नॉट द फेवरेबल आउटकम, नॉट द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए, ठीक है ना, तो ए का फेवरेबल आउटकम नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं इसको आगे कैसे, देखिएगा समझते हैं। जैसे यहां पर फेवरेबल आउटकम क्या था, m, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या था, n, ठीक है ना, फेवरेबल नंबर आउट नंबर ऑफ आउटकम था m और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम था n, तो वहां पर क्या, नॉट द फेवरेबल आउटकम ऑफ a, a का फेवरेबल आउटकम ना हो, तो m फेवरेबल था
तो नंबर ऑफ नॉट फेवरेबल कितना होगा, एन माइनस एम, एन माइनस एम। टोटल पॉसिबल आउटकम था एन, जिसमें से फेवरेबल था एम, तो नॉन फेवरेबल कितने हो जाएंगे, एन माइनस एम, ठीक है ना, एन माइनस एम। तो आप क्या लिखेंगे, पी ए बार इज इक्वल्स टू एन माइनस एम अपॉन एन, ठीक है ना। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम? अब देखिएगा यहां पर आगे, पी ए बार या पी नॉट ए, इसको डिवाइड करेंगे तो एन बाई एन हो जाएगा वन, और एम बाई एन, एम से एन डिवाइड होगा तो एम बाई एन हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, अब एम बाई एन को इधर ले आएंगे, देखिएगा पी ए नॉट इधर है, एम बाई एन को उधर लाइए, तो एम बाई एन प्लस पी ए बार इज इक्वल्स टू वन। अच्छा, एम बाई एन क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पी ए की वैल्यू क्या, एम बाई एन, पी ए की वैल्यू क्या, एम बाई एन, तो एम बाई एन की जहाँ आप पी ए लिख दीजिए, पी ए प्लस पी नॉट ए या पी ए बार की वैल्यू कितनी हो गई, वन। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। या पी ए बार को पी नॉट ए भी लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं पी ए प्लस पी नॉट ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, वन। ठीक, पी ए प्लस पी नॉट ए की वैल्यू वन, ठीक है। यानी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी मिला करके कितनी होगी, वन, मिला करके कितनी होगी, वन। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? जैसे डाइस को रोल किया तो वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वन आना एक फेवरेबल इवेंट है, और वन का ना आना एक नॉन फेवरेबल इवेंट है, निगेशन ऑफ इवेंट है, ठीक है ना। तो वन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, वन बाई सिक्स, और वन के ना आने की प्रोबेबिलिटी यानी टू थ्री फोर फाइव सिक्स के आने की प्रोबेबिलिटी फाइव बाई सिक्स, तो वन बाई सिक्स प्लस फाइव बाई सिक्स मिलकर के वन हो जाएंगे। यानी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी मिला करके आपका कितना होता है, वन, ठीक है ना, मिला करके कितना होता है, वन, ठीक है ना। यानी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस निगेशन ऑफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिला करके कितना होता है, वन। इसको आप नोट करिए, इसको आपको नोट करना है, ठीक है, नोट करिए, हम रब करें और अब क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो से तीन बार आप इसको देखिए पहले, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सारी बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अगर कोई दिक्कत होगी तो वो क्वेश्चन के द्वारा आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते रहना है धीरे धीरे करके। सारी चीजें जो हम बता रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है। कई बार टर्म्स के बारे में भी आपसे पूछ लेते हैं, डेफिनेशन पूछ लेते हैं टर्म्स की, ठीक है। तो बता दीजिए निगेशन ऑफ इवेंट क्या होता है, बता दीजिए कंपाउंड इवेंट क्या होता है, ये बताइए ट्रायल क्या होता है, ठीक है ना, ये बताइए एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है। इस तरह से एक एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर वन, एन अनबायस्ड डाई एंड अनबायस्ड डाई, डाई मतलब वही डाइस, ठीक, इज थ्रोन थ्रोन मतलब इधर उधर नहीं फेंका गया, थ्रोन मतलब रोल किया गया, ठीक है, रोल किया गया इस थ्रोन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
ऑफ गेटिंग पहला है टू, ठीक। अनबायस्ड डाई का मतलब होता है ऐसी डाइस, ऐसा पासा जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, जहां पर वन था वहां पर वन है, जहां पर टू था वहां पर टू है, जहां पर थ्री था वहां पर थ्री है। ऐसा नहीं कि वन है और टू को मिटा करके भी वन लिख दिया गया है और थ्री को मिटा करके भी टू लिख दिया गया है, ऐसा नहीं है। जैसा पासा होता है वैसा ही पासा है, पासे के साथ कोई छिड़खानी नहीं की गई है, ठीक है ना। उसी का मतलब होता है अनबायस्ड, ठीक है ना, अनबायस्ड। तो एक अनबायस्ड डाई को एक थ्रो किया गया है, रोल किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू, तो दो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा, जब आप डाइस को रोल करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं आपके, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं आपके। वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री फोर फाइव सिक्स, ये छह पॉसिबल आउटकम्स, ठीक। तो दो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमने बताया था कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, दो का आना क्या है, दो का आना, क्योंकि दो के बारे में पूछा गया है तो दो का आना एक फेवरेबल इवेंट है, ठीक है ना, एक फेवरेबल आउटकम है, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमने आपको बताया था कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम नहीं लिखना है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम लिखना है। कितने आउटकम फेवरेबल है, एक, यही एक है, ठीक है ना। फेवरेबल आउटकम नहीं लिखना है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम लिखना है, ठीक है ना। तो एक ही फेवरेबल है, क्या कितने फेवरेबल है, एक फेवरेबल है। तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम वन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो कि कितने, छः। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू क्या हो गया, वन बाई सिक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कितना हो गया, वन बाई सिक्स, ठीक। दो एक इवेंट था, तो दो एक इवेंट है, उस इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या, वन बाई सिक्स। दूसरा क्वेश्चन है, सिक्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डाइस को रोल किया गया, सिक्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिक्स ये है। कितने फेवरेबल आउटकम, एक ही फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, सिक्स। तो इसका भी आंसर वन बाई सिक्स। तीसरा क्वेश्चन है, इवन नंबर, डाइस रोल किया गया, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इवन आपका ये है, इवन आपका ये भी है, इवन आपका ये भी है। तो कितने इवन नंबर हैं, कितने फेवरेबल आउटकम हैं, एक दो तीन, तीन फेवरेबल आउटकम है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर, टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम नीचे, तो छः कितना आ गया, वन बाई टू। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, वन बाई टू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है आप लोगों को, सब आ रहा है समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, मल्टीपल ऑफ थ्री, आ मल्टीपल ऑफ थ्री मल्टीपल ऑफ थ्री कौन कौन है, एक ये है और दूसरा ये है, ठीक। फिर से हम लिख दे रहे हैं यहां पर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो थ्री का मल्टीपल ये है और थ्री का मल्टीपल ये है। तो कितने फेवरेबल, एक ये फेवरेबल, एक ये फेवरेबल, तो दो फेवरेबल हो गए, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ कितने आउटकम्स हैं, सिक्स, कितने हो गए, वन बाई थ्री। तो मल्टीपल ऑफ थ्री आने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, वन बाई थ्री, ठीक है। कितनी है, वन बाई थ्री, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अ नंबर थ्री और फोर, अ नंबर थ्री और फोर, ठीक। तीन या चार आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या तो तीन आए या तो चार आए। तो कितने फेवरेबल, एक ये फेवरेबल, एक ये फेवरेबल, तो दो फेवरेबल हो गए। कितने फेवरेबल हो गए, दो फेवरेबल हो गए, ठीक है ना। टू अपॉन सिक्स कितने हो गया, वन बाई थ्री। आगे बढ़िए, गेटिंग ऑड नंबर,
गेटिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1, 3 एंड 5। ठीक, 1, 3, 5 कितने कितने आपके हो गए? 3 upon 6। फेवरेबल आउटकम कितने? 3, टोटल कितने? 6 हो गया 1/2। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन, अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6। ठीक, अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6, 3 और 6 के बीच में जो नंबर है उनके आने की पॉसिबिलिटी क्या है, उनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 3 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं? देखिए, जिनके बीच में पूछा गया है तो 3 और 6 को छोड़ करके बताएंगे आप। ठीक है, तो देखो आपका ये 3 है, ये 6 है, इनके बीच में आपके 2 नंबर हैं, 4 और 5। ठीक है ना, 4 और 5, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो 1/3। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8, अ नंबर ग्रेटर देन 3, अ नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा यानी 3 नहीं, 3 से बड़े की बात हो रही है। 3 से बड़ा कौन कौन है? 4, 5, 6, 4, 5, 6। तो कितने आपके हो गए यहां पर फेवरेबल आउटकम? 4, 5, 6 यानी 3 फेवरेबल और टोटल कितने? 6, 1/2। बड़ी सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको याद बार रखना है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, वो होता है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स या फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, यहां देख लीजिए आप, अ नंबर लेस देन 5, अ नंबर लेस देन 5, 5 से कम, 5 से कम कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, ये 5 से कम हो गए, तो फेवरेबल कितने हो गए? 4 नंबर फेवरेबल है, कितने? 4, तो 4 upon 6 यानी 2/3। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 10, एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, एंड इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है ना, इवन नंबर या तो मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना, इवन नंबर या तो मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इवन नंबर, ये 2, 4, 6 इवन है, या फिर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 क्या है? 3 और 6, 6 तो आ चुका है एक बार। ठीक है ना, तो इवन नंबर या फिर मल्टीपल ऑफ 3, यानी दोनों ही बात हो रही, इवन नंबर या फिर मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना, इवन नंबर या फिर मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, यानी दोनों की बात हो रही है, तो यहां पर कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 कितने हो गए? 4/6 यानी 2/3। यहां तक आपको दिख रहा है? पहले हम देख लें, आपको दिख रहा है? ठीक है, यहां तक तो दिख रहा है आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 यहां लिख दे रहे हैं हम, एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, एंड इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। यानी इवन भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, दोनों ही बात एंड लगा है,
यहां पर और लगा था, यहां पर क्या लगा था, और लगा था, यहां पर और लगा था, इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ थ्री, इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ थ्री, या फिर और लगा या फिर मल्टीपल ऑफ थ्री, ऐसे बोल सकते हैं आप, है ना। लेकिन जो सेंस आएगा वो और का आएगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो इवन नंबर या फिर मल्टीपल ऑफ थ्री, तो दोनों में से दोनों बातें आपको लिखनी है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री, इवन भी हो और थ्री का मल्टीपल भी हो, तो एक ही नंबर है जो इवन भी है और थ्री का मल्टीपल भी है। थ्री का मल्टीपल आपका थ्री है और सिक्स है, लेकिन इवन और थ्री का मल्टीपल दोनों होना चाहिए तो सिक्स है, तो यानी कितने फेवरेबल, एक फेवरेबल, तो वन अपॉन सिक्स। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको यहाँ पर समझनी है, ठीक है, कि यहाँ पर और लगा है। और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है, दोनों का मिलना, यानी दोनों ही बातें होंगी, दोनों ही बातें होंगी, इवन नंबर है, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ थ्री, ठीक है, दोनों अलग अलग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंड है तो दोनों को साथ में देखना पड़ेगा, ठीक है, इवन भी हो और तीन का मल्टीपल भी होना चाहिए। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और आज करेंगे क्वेश्चन का डिस्कशन, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, सबसे पहले आपको उसे खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही आपको सोल्यूशन देखना है, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, थ्री अनबायस्ड, थ्री अनबायस्ड डाई इज थ्रोन साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ऑफ गेटिंग, ठीक, गेटिंग पहला है थ्री हेड्स, दूसरा है एटलीस्ट टू हेड, तीसरा है एटमोस्ट टू हेड, ठीक, चौथा है टू टेल्स, पांचवा है थ्री टेल्स, ठीक। तो ये चीजें जो आपको बतानी है, ठीक है, तीन अनबायस्ड डाई नहीं है, क्वाइन लिख लीजिए, क्वाइन, थ्री अनबायस्ड क्वाइन इज टॉस्ड, थ्री अनबायस्ड क्वाइंस आर टॉस्ड, ठीक, साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि थ्री हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एटलीस्ट टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एट मोस्ट टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और थ्री टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपको बताना है, हुआ है, ठीक है। तीन अनबायस्ड क्वाइन को टॉस किया जा रहा है साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री हेड, एटलीस्ट टू हेड, एट मोस्ट टू हेड, टू टेल या फिर थ्री टेल, सबकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो मान लिया ये आपका पहला क्वाइन है, ये आपका दूसरा क्वाइन है, ये आपका तीसरा क्वाइन है, ठीक, ये आपके तीन क्वाइन है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मान लिया इसमें हेड आया, इसमें भी हेड आया और इसमें भी हेड आया, ठीक,
इसमें हेड आया, इसमें टेल आया, इसमें भी टेल आया, ठीक, इसमें हेड, इसमें भी हेड, इसमें टेल, ठीक है, इन चारों में टेल आ गया, चारों में टेल आ गया, ठीक। अब देखिएगा, अब मान लीजिए दो में टेल आया, एक में हेड आया, ठीक, एक में टेल आया, दो में हेड आया, यहाँ पर टेल आया, यहाँ पर हेड आया, यहाँ पर टेल आया, ठीक, कितने हो गए, हेड 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 हेड, टेल टेल, और हेड हेड टेल, ठीक है ना, हेड टेल 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 हो गया, और एच टी टी हुआ कि नहीं, एच टी टी हो चुका है आपका, ठीक है ना, तीनों हेड भी हो गए हैं, तीनों टेल भी हो गए हैं, क्या बच रहा है आपका, हेड टेल हेड बच रहा है, हेड टेल हेड बच रहा है, ठीक है ना, हेड टेल हेड बच रहा है, ठीक है। तो ये आठ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है ना, आठ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, पहली पॉसिबिलिटी ये, दूसरी पॉसिबिलिटी ये, तीसरी पॉसिबिलिटी ये, चौथी ये, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं पॉसिबिलिटी ये। जब आप तीन कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है, जब आप तीन कॉइन को टॉस करेंगे तो ये आठ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है ना, यानी जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ये हो सकते हैं, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो ये हो सकते हैं, ठीक। लेकिन हमसे पहली बात पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में कि थ्री हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो थ्री हेड आपको दिख रहा होगा, थ्री हेड सिर्फ इसी में आ रहा है, ठीक है, तो एक ही फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम कितना है, वन, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, आठ, ठीक है, एट, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, थ्री हेड आने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट थ्री हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन अपॉन एट, ठीक, कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है एटलीस्ट टू हेड, कम से कम दो हेड आना चाहिए, कम से कम दो हेड आना चाहिए, दो या दो से ज्यादा भी आ सकता है, कम से कम दो हेड, ठीक है, कम से कम दो हेड, तो कम से कम दो हेड तो पहले वाले में भी है, कम से कम दो हेड इसमें भी है, कम से कम दो हेड आपका इस वाले में भी है, ठीक है ना, और कम से कम दो हेड आपका लास्ट वाले में भी है, ठीक, चेक कर लीजिएगा, कम से कम दो हेड, इसमें तीन हेड हैं, इसमें देखिए आपका दो हेड हैं, इसमें आपका देखिए दो हेड हैं, ठीक है ना, और इसमें आपका देखिए इसमें भी आपके दो हेड हैं, ठीक है ना, तो कम से कम दो हेड होने चाहिए, तो कितने फेवरेबल आउटकम हैं, चार, चार फेवरेबल आउटकम हैं, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, एट, तो फोर बाई एट इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, जो कि वन बाई टू आएगा, क्या आएगा, वन बाई टू आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब कहा गया एट मोस्ट टू हेड, एट मोस्ट टू हेड, एट मोस्ट टू हेड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो हेड आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दो हेड, यानी दो हेड या फिर उससे कम हेड, दो हेड या फिर उससे कम हेड, ठीक है, तो देखना होगा आपको दो हेड या उससे कम हेड, तो पहला पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसमें तीन हेड हैं, ठीक है, दो हेड या इससे कम हेड, तो ये आपका हो गया एक, ठीक है, इसमें एक ही हेड है, इसमें दो हेड हैं, तो आपका ये भी हो गया पॉसिबल, ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए इस वाले में, देखिए इस वाले में कोई हेड नहीं है, तो कोई हेड नहीं है तो दो से तो कम ही है, दो से तो कम ही है, कोई हेड नहीं है तो दो से तो कम ही है, हेड आपका दो से कम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दो होना चाहिए, इसका मतलब दो या दो से कम, तो जीरो भी तो दो से कम ही होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी एक ही हेड है तो ये भी दो से कम है, ठीक है, यहाँ पर देखिए दो हेड हैं तो एट मोस्ट टू हेड है ही है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर देखिए एक हेड है तो ये भी आपका पॉसिबल है, यहाँ पर देखिए दो हेड हैं तो ये भी आपका पॉसिबल है, ठीक, तो एक ही कंडीशन, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात एक ही कंडीशन को छोड़कर, एच 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 वाले कंडीशन को छोड़कर बाकी सभी जो है वो आपके फेवरेबल आउटकम हैं, बाकी सभी आपके क्या हैं, फेवरेबल आउटकम हैं, ठीक, तो फेवरेबल आउटकम आपके कितने हैं यहाँ पर, यहाँ पर आपके फेवरेबल आउटकम सेवन हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम एट हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। अब आपको देखना है चौथा क्वेश्चन है, वो है टू टेल,
दो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो दो टेल एग्जैक्टली टू टेल का है, तो यहाँ पर दो टेल आपका मिल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर मिला आपका दो टेल, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका मिला दो टेल, ठीक, और आप देखिए यहाँ पर अभी आपका मिला दो टेल, ठीक है। तो तीन कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पर आपको दो टेल मिल रहे हैं, ठीक है, यानी फेवरेबल नंबर आउटकम कितने हो गए आपके, तीन, कितने हो गए, तीन। तो चौथा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 3/8, ठीक। आते हैं पांचवें और लास्ट क्वेश्चन पे, पांचवा क्वेश्चन है 3 टेल, तीन टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो तीन टेल वाला तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है आपकी, तीन टेल आने की, तीन टेल आने की आपकी एक ही पॉसिबिलिटी है जहां पर तीन टेल आ सकते हैं, ठीक है। तो वन आपका फेवरेबल आउटकम है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल वन है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि नहीं। तीन क्वाइंस को, तीन अनबायस्ड क्वाइंस को आपको क्या किया गया था, टॉस किया गया था साइमल्टेनियसली, तो कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटीज आ सकती थी, तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज को लिख लिया। उसके बाद जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था जिस जिसकी प्रोबेबिलिटी, उसी तरह से हमने काम करना शुरू किया, ठीक। कोई दिक्कत, चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन चेक करना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ क्वाइन इज टॉस्ड, अ क्वाइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स ठीक विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज of two outcomes ठीक E1 है हेड, हेड कितनी बार आया है, 240 बार 240 टाइम्स ठीक। E2 आपका टेल है ठीक, और टेल कितनी बार आया है 260 टाइम्स ठीक है। तो एक क्वाइन है जिसको 500 बार टॉस किया गया है, ठीक है ना, एक क्वाइन है इसको 500 बार टॉस किया गया है, और जो आपका हेड है वो 240 बार आया है, टेल आपका जो है वो 260 बार आया है ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड PE1 यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और दूसरा है PE2 यानी कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, दूसरा इवेंट की प्रोबेबिलिटी और पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ये पूछा है ठीक है ना। तो
कहा गया एक कॉइन को 500 बार टॉस किया गया, ठीक है। तो एक कॉइन को आप 500 बार टॉस करें या 500 कॉइन को एक बार में टॉस करें, यहां पर वो बात एक ही है, ठीक है ना। ठीक है, चाहे आप एक कॉइन लें उसको 500 बार टॉस करें, तो जब आप उसको 500 बार टॉस करेंगे तो आपको 500 पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे, ठीक है। या फिर आप 500 कॉइन लें और उसको एक साथ टॉस करें तो भी आपको 500 ही पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे। तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो भी दोनों ही केस में आपको 500 पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके पास कितने हो गए, 500, क्योंकि हमने एक कॉइन को 500 बार टॉस किया है, तो कुछ 500 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपको मिलेंगे, ठीक है। उसमें से 240 यानी 240 टाइम्स आपका क्या आया, हेड, यानी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम यहां पर पहले इवेंट के लिए यानी P1 के लिए, यानी पहले इवेंट के लिए जो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम है वो है 240 और टोटल पॉसिबल आउटकम है आपका 500। 0 से 0 कैंसिल, इसको आप काट दीजिए 2 से, तो 12/25। आई बात समझ में। और दूसरा जो इवेंट ऑकर हुआ है वो हुआ है टेल का आना, टेल का आना दूसरा इवेंट आपका क्या है, टेल का आना। तो टेल कितनी बार आया है, 260 बार, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दूसरे इवेंट के लिए क्या है, दूसरे इवेंट के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपका है 260 / टोटल नंबर ऑफ आउटकम 500। टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक, क्योंकि हमने एक कॉइन लिया उसको 500 बार टॉस किया तो कुछ 500 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप 500 कॉइन ले लीजिए उसको एक साथ टॉस करिए, उसको एक साथ टॉस करिए तो भी आपको 500 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 3। अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स, ठीक, 1000 बार डाइस को जो है रोल किया गया है, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज फॉर द आउटकम्स, फॉर द outcomes one, two, three, four, five and six, two, three, four, five and six as given below, question बड़ा होगा लेकिन solution आपका बहुत आसान होगा, ठीक है। एक डाइस है जिसको थ्रो किया गया 1000 टाइम्स, ठीक है, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज फॉर द आउटकम्स 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप जब डाइस को रोल करेंगे तो 1 से लेकर के 6 तक में कुछ ना कुछ आपको आएगा, ठीक है। तो कितनी बार वन आया, कितनी बार टू आया, इसका टेबल आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना।
तो फिर से वही बात कि एक डाइस को चाहे आप 1000 बार रोल करके आप पॉसिबल आउटकम लिख लें, या 1000 डाइस को ले लें और फेंक दें एक साथ, फिर आप पॉसिबल आउटकम्स लिख लें, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में आपके पास 1000 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, ठीक है। तो दोनों ही केस में आपके 1000 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, ठीक है। तो दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। चाहे आप एक डाइस को 1000 बार फेंकिए, पहली बार फेंका कुछ लिखा कुछ आया, दूसरी बार फेंका फिर लिखा, तीसरी बार फेंका फिर लिखा, चौथी बार फेंका फिर लिखा, ठीक है। फिर हमने कैलकुलेट किया कि कितनी बार 1 आया, कितनी बार 2 आया, या फिर आप ऐसे कीजिए 1000 डाइस को ले लीजिए और फेंक दीजिए एक साथ फेंक दीजिए। उसके बाद सबके पास जाइए, देखिए इनके पास क्या आया 1, हाँ इनके पास 3, इनके पास आया 5, इनके पास फिर से 1, इनके पास फिर से 2, फिर आप लिख लेंगे कितनी बार 1 आया, कितनी बार 2 आया, कितनी बार 3 आया। तो दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो आउटकम आपका यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कितनी बार 1 आया, आउटकम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया, 1 आपका आया है 179 टाइम्स, ठीक। 2 आपका आया है 150 टाइम्स, 3 आपका आया है 157 टाइम्स, 4 आपका आया है 149 टाइम्स, 5 आपका आया है 175 टाइम्स, और 6 आपका नहीं मालूम, यहाँ पर दिया नहीं है कि कितने टाइम्स आया है, ठीक है। तो सबसे पहला इनका सवाल है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है 6 आने की, क्या पॉसिबिलिटी है या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आपको निकालना है सबसे पहला क्वेश्चन। तो 6 कितनी बार आया ये आपको पहले निकालना है, 6 कितनी बार आया, ठीक है। तो आपका देख रहे हैं 1000 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है और इन सबका नंबर ऑफ आउटकम्स दिया हुआ है कि 1 कितनी बार आया, 2, 3, 4, 5 कितनी बार आया, ठीक है। तो इन सबका फ्रीक्वेंसी ऐड करके 1000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको 6 की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है। इन सब की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके 1000 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तबीयत कुछ ठीक नहीं आज हमारी, है ना, फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम ध्यान से पढ़िए समझिए, है ना। देखिएगा आप इन सबको ऐड करिए कितना आएगा, 5, 9, 14, 14, 7, 21, 21, 21, 9, 30, 30, 30 का 0 कैरी आया, 3, 7, 3, 10, 10, 4, 14, 14, 5, 19, 19, 5, 24, 24, 7, 31 का 1 हासिल आया कितना, 3, 3, 1, 4, 1, 5, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, ठीक। तो 810 आया, कितना आपका आया 810, ठीक है। तो 1000 में से आप 810 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पर 190, कितना आएगा आपका 190, यानी 6 कितनी बार आया ये आपको पता चल गया। तो आप पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या लिखेंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ 6, ठीक है ना। 6 कितनी बार आया 190, टोटल पॉसिबल आउटकम थे आपके 1000, 0 से 0 कट गया, आया आपका 19/100, कितना आया 19/100 आया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कितना आया। तो 6 आने की आपकी जो पॉसिबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 19/100, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा, फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 179, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 179, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितना है 1000, तो ये आपकी क्या हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हो गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक। दूसरी बात आपसे पूछी गई, तीसरी बात कि निकाल दीजिए पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एंड 3, 2 और 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है,
तो 2 और 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 2 और 3 कितनी बार आए हैं ये आपको पहले चेक करना है। तो 2 आपका 150 बार आया है, 3 आपका 157 बार आया है, तो दोनों का आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 307, कितना आ जाएगा 307, ठीक है। यानी 2 और 3 का जो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम है वो है 307 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 1000, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। और एक चीज में और पूछ लिया, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, 7 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है 7 आने की? तो 7 तो डाई में होता ही नहीं है, तो 7 तो आएगा ही नहीं, तो 7 जब नहीं आएगा तो 7 के फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 0 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 1000, इसको काट दिया तो ये हो गया 0। कल पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि अगर किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाए तो वो कैसा इवेंट होता है, वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट होता है, कैसा इवेंट होता है वो होता है आपका इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। अब आपसे कहा जाए, इसको हम रफ कर दें, अब आपसे कहा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, इन सब के आने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो 1 के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 179 बार, ठीक है। 2 के आने की, 2 कितनी बार आया है, 150, 3 कितनी बार आया है, 157, 4 कितनी बार आया, 149, 5 175, 6 आया 190 बार, ठीक है। तो इन सब की फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करेंगे कि ये नंबर कितनी कितनी बार आए हैं, तो जब इनको ऐड करेंगे तो इनका जो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम आएगा वो आएगा 1000, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वो भी है आपका 1000, तो इनसे ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया 1। तो जब किसी इवेंट की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी अगर 1 होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्टेन इवेंट, ठीक है, हमने आपको बताया था, क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट, ये हमने आपको बताया था, सर्टेन इवेंट, ठीक है। तो ये बिल्कुल श्योर है कि 1 से 6 के बीच में ही कोई ना कोई नंबर आएगा, ये बात आपकी सर्टेन है, निश्चित है, इसको टाला नहीं जा सकता है, ठीक है। इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात। देखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th, यहां पर भी 3 कॉइंस का ही मसला है, 3 कॉइंस और टॉस्ट साइमल्टेनियसली ठीक 200 टाइम्स
ठीक है, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स, आउटकम है ठीक, और फ्रीक्वेंसी है, आउटकम आपका है थ्री हेड्स, ऐसे लिख लीजिए थ्री हेड, थ्री हेड्स आपका आया है 23 बार, टू हेड आपका आया है 72 बार, वन हेड आपका आया है 77 बार, नो हेड आया है आपका 28 बार, ठीक है ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन है थ्री क्वाइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स, ठीक है। तो तीन क्वाइन आपके पास है और तीनों क्वाइन को एक बार ये, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, यानी तीनों क्वाइन को लेकर के हाथ में उसको 200 बार टॉस किया गया, 200 बार टॉस किया गया, ठीक है ना। तीन क्वाइन को आपने हाथ में लिया और उसको एक बार टॉस किया, फिर दो बार टॉस किया, फिर तीन बार टॉस किया, ऐसे उसको 200 बार टॉस किया गया, ठीक है ना। तीन क्वाइन को आपको 200 बार टॉस किया गया है, तो कुछ ये आउटकम निकल के आया है। मान लिया हमने तीन क्वाइन लिया और टॉस किया और तीनों आया नीचे गिरा धम्म से, और धम्म से गिरने के बाद तीनों में हेड आ गया, तो ये थ्री हेड की पॉसिबिलिटी है। ऐसा कितनी बार हुआ, ऐसा 23 बार हुआ। फिर मान लिया हमने तीनों क्वाइन को लिया और धम्म से नीचे आके गिरा, तो दो क्वाइंस में आपका दो हेड आया, एक में टेल आ गया, तो ऐसा 72 बार हुआ, ठीक है। तो यही चीज लिखी गई है, चौक थोड़ा छोटा हो गया है, कुछ बड़ा वाला चौक नहीं है, चलिए चौक पता नहीं है, देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। आधा क्वेश्चन यहाँ है, आधा क्वेश्चन वहां है, चलिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री हेड्स, पहला क्या है थ्री हेड, तीन हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बड़ा जरूर होता है लेकिन उसका सोल्यूशन बहुत आसान होता है, छोटा सा नन्ना सा सोल्यूशन होता है, कोई डरने की बात उसमें नहीं है, ठीक है ना। देखिए तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री हेड्स, क्या कह रहा है, थ्री हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो तीन हेड कितनी बार आया है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 23, 23 बार ऐसा हुआ है, 23 बार ऐसा हुआ है कि थ्री हेड आया है, ठीक है ना, 23 बार ऐसा हुआ है कि वो थ्री हेड आया है, बाकी सब बार थ्री हेड नहीं आया है, ठीक है ना, बाकी सब बार थ्री हेड नहीं आया है। तो यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए इसके थ्री हेड के, 23, ठीक। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, 200 बार उछाला है भैया, तो 200 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ठीक है ना। तो 200 ये हो गया, ठीक, बात समझ में आ गई। ये इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री हेड है, वहां लिख दिए, चलिए यहां लिख देते हैं, है ना, वहां नहीं यहां लिखिए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, टू हेड एंड वन टेल, दो हेड और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कौन बताएगा, कौन बताएगा कि दो हेड और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए यहां पर दो हेड है ना, तो दो हेड है तो जाहिर सी बात है कि दो हेड के बाद तीसरा तो टेल ही होगा, तो टू हेड एंड वन टेल यही है, टू हेड एंड वन टेल यही वाली घटना है, वो है 72 बार घटित हुई है, ठीक है ना, ठीक है। दो हेड और वन टेल वाली घटना कितनी बार घटित हुई है, 72 बार घटित हुई है, ठीक है। तो एक इवेंट है जो टू हेड का है, टू हेड नाम का एक इवेंट है जो कितनी बार घटित हुआ है,
72 बार घटित हुआ है और टोटल पॉसिबल आउटकम है 200। ठीक, यहाँ से आप काटेंगे इसको तो दो तियाएँ 6, 1 2 2 6 12, ये आ जाएगा आपका 100। फिर काटेंगे, फिर आ जाएगा आपका 18, फिर आ जाएगा 50, फिर काटेंगे, फिर आएगा 9/25। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी बोलिए, 2 head and 1 tail आने की प्रोबेबिलिटी है 9/25। ठीक है ना, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने आपको बताया था कि 0 से लेकर के 1 के बीच में ही होती है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि वो 0 से 1 के बीच में ही रहे। हाँ, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए तीसरा क्या है, एट लीस्ट 2 head। ठीक, कम से कम कितने हेड, कम से कम 2 head, कम से कम 2 head, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड हो सकते हैं, 3 head हो सकते हैं ना, कम से कम 2 head। ठीक है ना, कम से कम 2 head होना चाहिए, 2 head से कम नहीं आना चाहिए, यानी 2 head ये और इससे ज़्यादा हो सकता है, यानी 3 head ये, यानी 72 प्लस 23। ठीक है ना, कम से कम 2 head, यानी 2 head और 3 head, ये दोनों ही बातें इसमें आएंगी। ठीक है ना, यानी 72 प्लस 23 दोनों मिलकर ही फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स तक पहुंचेंगे, दोनों मिलकर ही फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स तक पहुंचेंगे। यानी 72 प्लस 23 कितना होगा आपका, देखो 3 2 5 हो गया, ठीक, और कितना हो गया, 7 2 9 हो गया, कोई दिक्कत है, अपॉन 200 हो गया। 5 से आप काटेंगे तो 5 1 5 और 5 9 45, और 5 से आप इसको काटेंगे तो आपका कितना आएगा, 40। ठीक है, तो 19/40, ये इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, 19/40 आपका एटलीस्ट 2 head आने की क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई भी अगर बात आपको समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है। ठीक है, आप वहां से भी आकर के हमसे बिला झिझक बिला शुभा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के भी पूछ सकते हैं, कॉपी बुक में से आप फोटो खींच कर भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। मान लिया यहाँ कहीं आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप पूछ लीजिए कि सर यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया, इसको आप फिर से बता दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे। आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी हम आपका रिप्लाई देंगे। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको रब कर देते हैं अब हम लोग। चलिए पांचवा क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक, क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी लीटी दैट अ लीप ईयर लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज
विल कंटेन 53 संडेज क्या है क्वेश्चन अगर आपको कह दिया गया कि ये देखिए ये ढेर सारे लीप ईयर हैं कह दिया गया देखिए ढेर सारे देखिए लीप ईयर रखे हुए हैं ठीक है ना या लीप ईयर कुर्सी पे बैठे हुए हैं अब उसमें से कोई एक लीप ईयर आपको निकालना है ठीक है ना कोई एक लीप ईयर निकालना है और उस लीप ईयर में 53 संडे आ जाए ऐसा हो कि उस जो आपने पिक किया है जो आपने पिक किया है लीप ईयर उसमें कितने संडे आ जाएं 53 संडे आ जाएं इस बात की क्या कितनी गारंटी है और कितनी प्रोबेबिलिटी है कितनी पॉसिबिलिटी है ये आपको बताना है ठीक है ना बात समझ में आई जैसे कुर्सी पर बैठे हुए हैं सारे लीप ईयर कुर्सी पर बैठे हुए हैं एक लीप ईयर को आपको उठाना है ठीक है ना तो उस वो लीप ईयर में जो आपने उठाया है उसमें 53 संडे हों इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है ये आपको निकालना है ठीक है उस बात की क्या पॉसिबिलिटी है ये आपको निकालना है अच्छा किसी भी लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366 डेज होते हैं 366 डेज होते हैं ठीक है इसमें से आपका 52 वीक्स होता है ठीक और प्लस 2 डे 2 दिन और होता है 52 वीक्स होता है और 2 दिन आपका होता है तो 52 वीक है यानी 52 संडे तो आएंगे ही 52 संडे तो आना ही है 52 संडे तो आना ही लेकिन लीप ईयर में 53 संडे आ जाए अगर इस 2 दिन में भी एक संडे है 2 दिन में भी एक संडे है तो आपका 53 संडे हो जाएगा अगर इन 2 दिन में एक संडे नहीं है तो आपका 53 संडे नहीं हो पाएगा तो आपका 52 ही संडे रह जाएगा है ना तो आपको यही चेक करना है ठीक है ना यही आपको चेक करना है बात समझ में आई लीप ईयर में आप देख रहे हैं 52 हफ्ते होते हैं और 2 दिन होते हैं तो 52 हफ्ते मतलब 52 संडे तो होंगे ही और अगर इन 2 दिन में एक और संडे आपको मिल जाए तो 53 संडेज हो जाएंगे ठीक है ना तो इसी बात की पॉसिबिलिटी निकालनी है कि अगर आपने कोई लीप ईयर पिक किया तो उसमें 53 संडे होंगे इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है तो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है ये तो 52 होने वाला है 53 करने के लिए ये जिम्मेदार है कौन ये 2 दिन ही जिम्मेदार है 53 संडे करने के लिए ठीक है ना तो ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं ये आप पहले लिख लीजिए ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं पहला ये 2 दिन हो सकता है संडे प्लस मंडे ये हो सकता है मान लिया 2 दिन ठीक दूसरा हो सकता है मंडे प्लस ट्यूसडे ठीक तीसरा हो सकता है ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे चौथा हो सकता है वेडनेसडे प्लस थर्सडे ठीक पांचवा हो सकता है थर्सडे प्लस फ्राइडे छठवा क्या हो सकता है फ्राइडे प्लस सैटरडे कुड़ी सैटरडे सातवां क्या हो सकता है सैटरडे प्लस संडे ठीक है तो ये 7 पॉसिबिलिटी हो सकती है इन 2 दिनों के बारे में ठीक है ना इस 2 दिन के बारे में ये 7 पॉसिबिलिटी हो सकती है ठीक है ना तो अगर आपको चाहिए कि 53 संडे हो जाए तो ये फेवरेबल है ये वाला हो जाए क्योंकि संडे इसमें भी है और संडे इसमें भी है ठीक है ना तो अगर लास्ट के दोनों दिन संडे मंडे हो जाते हैं या फिर सैटरडे संडे हो जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा और 53 संडे हो जाएंगे पूरे साल में लीप ईयर के आई बात समझ में यानी ये 2 आपके फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 7 ये 7 चीज़ें हो सकती हैं इन 2 दिन के लिए इस 2 दिन के लिए ये 7 चीज़ें हो सकती हैं इस 2 दिन के लिए लेकिन हमारे काम का दिन है संडे तो संडे वाली 2 ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर है ठीक है एक ये और एक ये यानी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम है कितने 2 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 7 यानी एक लीप ईयर में 53 संडे होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी क्या प्रोबेबिलिटी है 2/7 की प्रोबेबिलिटी है
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया है तो आप लोग लाइक कर दें, और जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को वो हमारे, ठीक है, तो क्वेश्चन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हम लोग और आज बात करेंगे कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है, और साथ ही साथ आज हम लोग प्लेइंग कार्ड्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। कोई दिक्कत थी किसी भी मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, ठीक है, कोई दिक्कत थी किसी को, कुछ भी प्रॉब्लम थी, कुछ भी दिक्कत थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी ना, ठीक है। तो आपके सामने ये बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो प्रोबेबिलिटी में ऐसा होता ही है, बड़े बड़े ढांसू क्वेश्चन होते हैं जो 6x4 के बोर्ड को पूरा भर देते हैं, लेकिन आंसर आपका एक लाइन में आ जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा हमारे ग्रीन बोर्ड पर वो है, अटायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर अ टायर टू बी रिप्लेस्ड, ठीक है ना। फॉलोइंग टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ द 1000 केसेस, ठीक है ना। एक टायर बनाने वाली कंपनी है जो एक डेटा इकट्ठी करती है, ठीक है ना, एक डेटा इकट्ठी कर रही है, ठीक है, किस चीज का डेटा है वो है डिस्टेंस कवर का, ठीक है। एक टायर खराब होने से पहले कितनी दूर चलता है इसका एक डेटा वो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रखती है, ठीक है ना। तो ये जो टेबल है वो 1000 केसेस का टेबल यहाँ पर लिया गया है कि 1000 टायर्स का जो है यहाँ पर जो है डेटा इकट्ठा किया गया है, 1000 जो है टायर्स का डेटा इकट्ठा किया गया है कि 1000 टायर्स में कितने टायर्स जो हैं कितने किलोमीटर्स चल सकते हैं, ये यहाँ पर डेटा दिया गया है, ठीक है ना। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया। एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डेटा इकट्ठी करी है 1000 टायर्स का, और उन टायर्स में वो देखना चाहती है कि वो टायर खराब होने से पहले कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है ना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बात समझ में आई। तो देखिए, एक टायर है जो 400 किलोमीटर चलने से पहले ही 400 किलोमीटर चलने से पहले ही हो जाता है खराब, तो ऐसे कितने टायर हैं, 210 टायर हैं जो कि 400 किलोमीटर तक भी नहीं चल पाते हैं, 400 किलोमीटर चलने से पहले ही दग जाते हैं, फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और कुछ टायर्स हैं जो 400 से लेकर के 900 किलोमीटर तक चलते हैं, ऐसे टायरों की संख्या है 325, और ऐसे टायर जो 900 से 1400 किलोमीटर तक चलते हैं उन टायरों की संख्या है 385, ठीक। और ऐसे टायर जो 1400 किलोमीटर से ज़्यादा चलते हैं उनकी जो संख्या है नंबर है वो है 80, बहुत ही कम संख्या है जो 1400 किलोमीटर से ज़्यादा चलते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है 80 है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इस टायर को खरीद रहे हैं, ठीक है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप इस टायर को खरीदते हैं तो इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि, पहला क्वेश्चन, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज कवर्ड 400 किलोमीटर, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे 400 किलोमीटर चलने से पहले ही बदलना पड़ेगा, ठीक है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कितने टायर हैं जो 400 किलोमीटर से पहले ही दग जाते हैं, तो ऐसे टायर हैं 210, ठीक है ना, ऐसे टायर हैं 210 टायर ऐसे हैं जो 400 किलोमीटर तक भी नहीं चल पाते हैं। तो वही पूछा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे 400 किलोमीटर चलने से पहले रिप्लेस करना पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि वो 400 किलोमीटर चलने से पहले ही दग जाएगा, ठीक है, दगेगा, खराब होगा, तभी तो आप बदलोगे, ठीक। तो हमारे पास जो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम है वो है 210 टायर, कितने हैं, 210 टायर हैं जो 400 किलोमीटर चलने से पहले ही दग जाते, धड़ाक धम, ठीक। तो 210, ठीक है, हंसने की बात नहीं है, समझिए, ठीक है, 210,
ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टायर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 1000 टायरों पर ये रिसर्च करी गई है, तो 1000 हो गए। ठीक, तो बहुत ही आसान सी बात है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए 210 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए 1000। धुआं धुआं कर दीजिए आप क्वेश्चन का, क्वेश्चन का धुआं धुआं करिए, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, अब आप इसको 0.21 लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे 0.21। तो इस बात की पॉसिबिलिटी कि उसे 400 किलोमीटर से पहले बदलना पड़ेगा जो टायर आपने खरीदा है, उसकी पॉसिबिलिटी है 0.21 यानी 21%। कितना परसेंट? 21%। ठीक, आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट विल लास्ट मोर देन 900 किलोमीटर, जो टायरवा आपने खरीदा है वो टायरवा 900 किलोमीटर से ज्यादा चलेगा। ठीक है, 900 किलोमीटर से ज्यादा चलेगा, ई बात के का प्रायिकता बा, ई बात के का प्रायिकता बा कि वो 900 किलोमीटर से ज्यादा चली, यह सवाल पूछल बाट है। ठीक बा, ठीक है, चलिए तो 900 किलोमीटर से ज्यादा यहां पर आपको देखना होगा कि ऐसे कितने टायर हैं जो 900 किलोमीटर से ज्यादा चलते हैं। तो ये देखिए भैया, 385 टायर यहां पर हैं और 80 टायर ये भी हैं। अरे भाई, 1400 से ज़्यादा है तो 900 से तो ज़्यादा ही होगा ना, कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, 385 और 80 इतने टायर हैं जो 900 से ज़्यादा किलोमीटर चलते हैं, यही सवाल में पूछा है। तो 385 और 80 को आप कर दीजिए ऐड, इतने टायर हैं, ये आपका फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके कितने हैं मेरे दोस्त? वो तो 1000 के ही 1000 रहेंगे। ठीक, ठीक, इनको जोड़िए आप, कितना आएगा, कितना आएगा, 8 8 16 8 8 16 460 465, कितना 465। देख लीजिएगा क्या हमने सही जोड़ा है, सही सम किया है कि नहीं। 0 5 5 8 8 16 का 6 हासिल आया 1 3 1 4, तो आपका ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.465। ये आपकी क्या हो गई है, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कि आपने जो टायर खरीदा है वो 900 से ज़्यादा किलोमीटर चलने के लिए तत्पर है। ठीक है, अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 46.5%। आया बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में, चलिए नोट करिए इतना, इसको रोक दो थोड़ा सा। तो आपने नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट भी ले लिया, अब हम इसको रब करते हैं और आगे इसी में बात करेंगे। ये दो क्वेश्चन हुए अभी इसमें, ठीक है ना, ये अभी इसमें दो क्वेश्चन हुए। बहुत मजा आएगा, ठीक है, पढ़ा तो चलो बच्चा लोगन, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर है थर्ड इसी में, वो क्वेश्चन क्या है, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज कवर्ड somewhere between 400 kilometer and 1400 kilometer। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज कवर्ड समवेयर बिटवीन 400 किलोमीटर एंड 1400 किलोमीटर।
तो सबसे पहले आप चेक करेंगे ऐसे कितने टायर हैं जो 400 से 1400 किलोमीटर तक चलते हैं, ठीक है ना, 400 से 1400 किलोमीटर तक चलते हैं बिना कोई एतराज़ किए, ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 400 से पहले ही दग जाते हैं 210 टायर, इनकी बात ही ख़त्म कर दीजिए, ठीक है ना। 400 से ज़्यादा चलने वाले यहाँ से शुरू हो रहा है, तो 325 टायर ये, 385 टायर ये और 80 टायर ये ऐसे टायर हैं जी, नहीं 80 की बात नहीं आएगी, क्योंकि 80 जो है ये मोर देन 1400 है, ये 1400 से ज़्यादा किलोमीटर चलते हैं। लेकिन हमें जो यहाँ पर बतकही करनी है वो कितनी बतकही करनी है, 400 से लेके 1400 के बीच में हमें अपनी बात रखनी है, ठीक है। 325 और 385 ये आपका फेवरेबल नंबर ऑफ टायर्स हो गए, ठीक है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। आया बात समझ में कि नहीं आया, आया गुड्डा लोग? 325 और 385 ऐड कर दो बाबू, 5 5 10 का 0 हासिल आवा, 1 2 1 3 8 3 11 का 1 हासिल आए, 6 1 7 710 स्नैपड्रैगन 710 आ गया, ठीक है ना, 710 ये आपका फेवरेबल नंबर ऑफ टायर। और कितने टायर पे रिसर्च भैल भैला है, 1000 टायर, तो 710/1000 इसका आंसर हो जाए, 0 से 0 कटेगा और आपका आएगा 0.71, ठीक है, यानी 71% टायर ऐसे हैं जो 400 से 1400 किलोमीटर तक चल सकते हैं, ठीक है, बिना कोई एतराज़ किए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे के बारे में बात करेंगे, हमें झुकना पड़ेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो हमें और झुकना पड़ेगा। क्या है, इट विल नॉट नीड टू बी रिप्लेस्ड एट ऑल, नॉट नीड टू बी रिप्लेस्ड एट ऑल, ठीक है, ऐसे कितने टायर हैं, ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूछा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस टायर को जो आपने खरीदा है उसे कभी जिंदगी में रिप्लेस ही नहीं किया जाए, ठीक है, यानी आपने एक बार खरीद लिया तो वो 1000 क्या, 2000 क्या, 3000 क्या, लाखों करोड़ों अनगिनत किलोमीटर चलता रहेगा और न टायर घिसेगा न दगेगा। कब वो ऐसा भाईल बा है कि तू टायर खरीदो तो हर टायर कब ना खराब होए, ऐसे कभी भय है, ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जितने भी टायर हैं वो कभी ना कभी जा कर के खराब होंगे ही होंगे, ठीक है ना, कभी ना कभी उन्हें रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो ऐसे कितने टायर यहाँ पर हैं जिन्हें ये कहा गया है कि उसे कभी रिप्लेस नहीं किया जाएगा, दे शुड नॉट बी रिप्लेस्ड एट ऑल, तो ऐसे कोई भी टायर नहीं है जिन्हें रिप्लेस ना किया जाए। देखो इन्हें 400 किलोमीटर से पहले रिप्लेस किया जाएगा, इन्हें 400 से 900 के बीच में रिप्लेस किया जाएगा, इन्हें 900 से 1400 के बीच में रिप्लेस किया जाएगा, इसे मोर देन 1400 पे रिप्लेस किया जाएगा, बट रिप्लेस किया जाएगा मेरे दोस्त, बट रिप्लेस किया जाएगा, ऐसा कभी नहीं है कि उसे रिप्लेस ना किया जाए, ठीक है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल नंबर ऑफ टायर्स कितने हैं, 0, ऐसे टायर जिन्हें कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकेगा उनकी संख्या 0 है, 1 भेली है, ठीक है, 0 है, ठीक, 0/1000 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, यानी ये इम्पॉसिबल है कि टायर खरीद लो ओकरे बाद कब्बो जिंदगी में टायर ना बदलो, ठीक है, आएगा देहाती बात हम समझ में आएगा कि नहीं, ठीक। तो एक क्वेश्चन और इसमें है, क्वेश्चन नंबर 5, उसके लिए हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मिटा ही तो रहे हैं।
इसी में है क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th इसी में है, वो क्या है? इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड। ठीक है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है जो आपने टायर खरीदा है उसे बदलना ही पड़ेगा, उसे बदलना ही पड़ेगा, जो आपने टायर खरीदा है उसे बदलना ही पड़ेगा, इस बात की क्या गारंटी, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप देखिए, आप 1000 टायर ले लीजिए, सभी टायर को ले लीजिए, तो सबको बदलना पड़ रहा है, जितने भी 1000 टायर हैं उन सबको कभी ना कभी बदलना पड़ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टायर्स दैट टू बी रिप्लेस्ड कितने हो गए, नंबर ऑफ टायर दैट टू बी रिप्लेस्ड कितने हो गए, 1000। इट विल नीड टू बी रिप्लेस, जहाँ रिप्लेस करने की जरूरत पड़े, जरूरत पड़े। तो ऐसे कितने टायर जिन्हें रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी, आप जोड़ लीजिए, 210, 325, 385 और 80, इन सब का सम क्या 1000 आ रहा है? देखिएगा आप, 210, 325, 385 और 80, 5, 5, 10 का 0 हासिल आए, 1, 2, 2, 4, 8, 8, 16, 20, जो 2, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 1000। तो ऐसे कितने टायर जिन्हें रिप्लेस करने की जरूरत पड़ रही है, कभी ना कभी रिप्लेस करने की जरूरत पड़ रही है, 1000। ठीक है, और कितने टायर हैं टोटल, आंसर आया 1। और जब किसी इवेंट की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो वो एक सर्टेन इवेंट होता है, यानी ये बात सर्टेन है कि टायर खरीदने के बाद उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में नहीं आया फिर से देखिए, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, आवेगा समझ में। ठीक है, देखिए, चलिए आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है और इसका आंसर आपको देना है बिना मेरे आंसर दिए हुए। ठीक है, यानी मेरे आंसर देने से पहले आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन आपके सामने है, बड़े क्वेश्चन है इसलिए मैं स्किप कर दे रहा हूँ, नहीं तो जब तक मैं क्वेश्चन लिखूंगा तब तक आप लोग इतने गंदे बच्चे हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं कि आप लोग बोर होकर भाग जाएंगे, इसीलिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन जब लिख रहे थे तो हमने उस वीडियो को स्किप कर दिया कि क्वेश्चन लिखते समय कहीं आप भाग ना जाएं, क्योंकि आपको आंसर से मतलब होता है, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आप पढ़ा करें, क्वेश्चन पढ़ेंगे आपकी रीडिंग स्किल भी अच्छी होगी, समझने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन से भागे नहीं, क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, इट इज नोन दैट अ बॉक्स ऑफ 600 इलेक्ट्रिक बल्ब्स कंटेन 12 डिफेक्टिव बल्ब्स, 1 बल्ब इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम दिस बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब। ठीक, एक बॉक्स है, एक बक्सा है, उसमें 600 बल्ब रखे गए हैं, 600 में से 12 बल्ब डिफेक्टिव हैं, खराब हैं। ठीक है, 12 बल्ब कैसे खराब है, तो आपको ये बताना है कि अगर हम उसमें से एक बल्ब निकालते हैं तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब यानी एक अच्छा खासा बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अच्छा खासा बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी से पहले आपको ये पता करना होगा कि अच्छे खासे बल्ब कितने हैं। ठीक है, तो 600 में से आपके 12 बल्ब डिफेक्टिव हैं, तो अच्छे खासे बल्ब कितने हुए, 600 माइनस 12। ठीक है, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हुए, सिक्स हंड्रेड माइनस ट्वेल्व, जो कि आएगा 588। इतने बल्ब क्या हैं आपके, नॉन डिफेक्टिव। तो ये आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं, ये आपको चाहिए, ये आपके फेवर में बात करेंगे, फेवरेबल आउटकम है। ठीक है ना, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 588। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बल्ब्स कितने थे, 600, मतलब 600 वही है ना, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, 600। ठीक, कर लीजिए आप इसको डिवाइड या सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 दुनी 4 1 8 2 9 18, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए 300, फिर 2 से काटिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 सते 14 और ये आ जाएगा आपका 150। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है।
ठीक। अगर कहा जाए कि आप निकालें और डिफेक्टिव बल्ब निकले, क्या निकले, डिफेक्टिव बल्ब निकले, तो उस बात की क्या पॉसिबिलिटी होगी। यानी हम ये कहें कि नॉन डिफेक्टिव बल्ब ना निकले, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए की बात हो रही है, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए था नॉन डिफेक्टिव बल्ब का निकलना, तो ए नॉट का मतलब नॉन डिफेक्टिव बल्ब का ना निकलना, यानी डिफेक्टिव बल्ब का निकलना। तो आप जानते हैं पी ए प्लस पी नॉट ए की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो पी नॉट ए कितना हो जाएगा, वन माइनस पी ए, पी ए की वैल्यू ये है, तो वन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो वन में से उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वन माइनस 147 अपॉन 150, तो ये आपका निकल के आएगा 3/150। तो ये है डिफेक्टिव बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। डिफेक्टिव बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी आपकी ये है, ठीक। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, समझिए। मैं हट जाता हूँ पीछे, नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बड़ी ही मेहनत से हमने ये क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जब तक हम लिख रहे थे उस पार्ट को हमने स्किप कर दिया, क्योंकि आप क्वेश्चन देखेंगे नहीं, उसे छोड़कर भाग जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये सोचा कि उस पार्ट को स्किप कर दिया जाए। तो क्वेश्चन जितने बड़े होते हैं उसका सोल्यूशन आसान होता है, तो आप क्वेश्चन को छोड़ा ना करें, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन लिख रहा है तो आप उसको आगे बढ़ा दीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप आगे बढ़ा दीजिए, अदरवाइज आप उसको देखिए, कुछ ना कुछ आप ज़रूर वहाँ पर सीखेंगे, ठीक है ना। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा सीखने के लिए, ठीक है ना। ठीक, खैर, हम आप लोगों के बारे में जानते हैं कि आप लोग पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ खेलना कूदना जानते हैं, ठीक है। खुराफात करेंगे आप लोग सिर्फ बैठ के, ठीक है। तो हम आपसे खुराफात ही करवा ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक। खुराफात ही करिए आप बैठ कर। क्या मतलब, ये क्वेश्चन आप बहुत देर से यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्या मतलब इस क्वेश्चन का, आप लोग समझ पाए कि नहीं। अगर आप लोग मतलब समझ गए हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि हमें जो है मतलब समझ गए थे। तो 50 सीट्स वर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द फाइव बैग्स ऑफ सीट एंड वेयर केप्ट अंडर स्टैंडर्डाइज कंडीशन फेवरेबल टू द जर्मिनेशन आफ्टर 20 डेज द नंबर ऑफ सीट्स विच हैड जर्मिनेटेड इन ईच कलेक्शन वेयर काउंटेड एंड रिकॉर्डेड एज फॉलोस, ठीक है। तो 50 सीट्स, कितने बीज, 50 बीज जो है सेलेक्ट किए गए पाँच बैग में से, पाँच बैग रखे थे, 1 2 3 4 5 10, ठीक है, पांच बैग थे और पांचों बैग में से 50 बीया निकाल करके रख लिया गया और उन 50 बीज को जो है 20 दिनों के लिए स्टैंडर्डाइज कंडीशन में उसे जर्मिनेट करने के लिए रख दिया गया, ठीक है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन में उसे जर्मिनेट कराया गया। तो ये देखा गया कि पहले बैग में से जो हमने 50 बीज निकाले थे, उस पहले बैग में से सिर्फ 40 बीज जो है वो जर्मिनेट हुए, दूसरे में से 48 जर्मिनेट हुए, वाह भाई वाह, तीसरे में से 42 जर्मिनेट हुए, शुभ हाँ, फोर्थ में से 39, फिफ्थ बैग में से 41 बीज जो है जर्मिनेट हुए। अब सवालों को देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन ए बैग, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बैग में 40 से ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा, मोर देन 40 सीड्स इन ए बैग जर्मिनेट हुए, 40 से ज़्यादा जो है बीज कितने बैगों में जर्मिनेट हुए। तो 40 में जर्मिनेट हुआ है, 40 से ज़्यादा नहीं, ठीक। तो 40 से ज़्यादा ये एक बैग, 40 से ज़्यादा ये दूसरा बैग, 40 से ज़्यादा ये तीसरा बैग, यानी तीन बैग ऐसे हैं जिनमें से 50 बीज निकालने पर 40 से ज़्यादा जर्मिनेट हुए। आई बात समझ में। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम पहले क्वेश्चन के लिए कितना है, तीन, तीन बैग जो है फेवरेबल है। टोटल बैग कितने थे, 5, तो 3/5 पहले का करेक्ट आंसर। आ गई बात समझ में, तो लाइक करिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है ना, जरूर कीजिए। 49 सीट्स इन अ बैग, ठीक, कि बैग में 49 सीट जो है क्या हुए, जर्मिनेट हुए। ऐसे कितने बैग हैं जिनमें 49
49 यानी 49 सीट्स टर्मिनेट हुए। तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपके सामने हूँ, ठीक है, और हमेशा रहूँगा, आपकी हेल्प करते रहेंगे हम। देखिए कितने बैग हैं, कितने बैग हैं जिसमें 49 सीट्स टर्मिनेट हुए, कुछ बच्चे कहेंगे। हाँ भाई, 49 सीट्स कहाँ टर्मिनेट हो रहे हैं? कोई ऐसा बैग नहीं है जिसमें 49 सीट्स टर्मिनेट हो रहे हैं, नो बैग। तो फेवरेबल आउटकम आपका जीरो है, फेवरेबल आउटकम जीरो है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने? 5, तो 0/5 आंसर विल बी 0, ठीक है। तो दूसरे का आंसर 49 सीट्स इन ए बैग जर्मिनेट हो जाएं, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0 है। क्या 0? तो दूसरे का आंसर सन्नाटा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, मोर देन 35 सीट्स इन अ बैग जर्मिनेट हो, ठीक है, मोर देन 35 सीट्स इन अ बैग जर्मिनेट हो रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा पहले में भी 35 से ज़्यादा जर्मिनेट हो रहे हैं, दूसरे में भी 35 से ज़्यादा जर्मिनेट, तीसरे में भी, चौथे में भी और पांचवें में, यानी पांचों बैग फेवरेबल आउटकम्स हैं। पांचों बैग कैसे फेवरेबल आउटकम हैं, ठीक है। तो तीसरे का फाइव बाई फाइव वन, ठीक है ना। तो ये सर्टेन है कि सभी बैग में से 35 से ज़्यादा बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको दिख रहा होगा, एटलीस्ट 40 सीट्स इन अ बैग जर्मिनेट हो जाए, कम से कम 40, क्या कम से कम 40 बीज जर्मिनेट हो जाएं। कम से कम 40, पहले में 40 हो रहा है, बहुत अच्छी बात, दूसरे में भी कम से कम 40 तो आई है, तीसरे में भी कम से कम 40 है, चौथे में नहीं है, पांचवे में है, ठीक है। तो चार, कितने? चार ऐसे बैग हैं जिनमें कम से कम 40 सीड जो है जर्मिनेट हो रहे हैं। चार बैग हैं, कितने? चार बैग हैं जिनमें कम से कम 40 सीड जर्मिनेट हो रहे हैं। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम 4, 4/5। चौथे का आंसर कितना होगा? 4/5। पांचवे का, एटमोस्ट 40 सीट्स इन अ बैग, ज़्यादा से ज़्यादा 40 जर्मिनेट हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जर्मिनेट हो जाएं? ज़्यादा से ज़्यादा 40 जर्मिनेट हो जाएं, ठीक। पहले था कम से कम 40 जर्मिनेट हो जाएं, अब कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 40 जर्मिनेट हो जाएं, बहुत हुआ तो 40 हो जाए। तो पहला वाला सही है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 हो गए, ठीक है। 40 से ज़्यादा जर्मिनेट नहीं होना चाहिए, यानी 40 से कम तो हो सकता है, यानी एक ये भी हो सकता है। तो दो बैग ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा 40 बीज जो है जर्मिनेट हो जा रहे हैं। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 2, टोटल 5। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, नोट करिए। क्वेश्चन बड़े होते हैं, सॉल्यूशन आसान होते हैं, लेकिन आपको करना है, समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कई बच्चे क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं, तो वो गलती कर देते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्वेश्चन को पढ़िए, लैंग्वेज को समझिए। लैंग्वेज को आप पिक नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, एटलीस्ट 40 सीट्स का और एटमोस्ट 40 सीट्स का, दोनों बातें अलग हैं, एटलीस्ट एटमोस्ट, ठीक है, दोनों आंसर अलग है। बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो आपको गलती नहीं करना है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से हर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। क्या है फोर्थ क्वेश्चन? 2 dice आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी
ऑफ गेटिंग। पहला इवन नंबर एज द सम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, द सम एज ए प्राइम नंबर, चलिए पहले ये दो क्वेश्चन देखते हैं। दो डाइस है, उनको थ्रो किया गया है, ठीक है ना, एक साथ साइमल्टेनियसली, ठीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो पहले जब दो डाइस को रोल किया गया तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है ना, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो हम आपको पहले बता दें कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं अगर हम दो डाइस को रोल कर रहे हैं, ठीक, साइमल्टेनियसली, ठीक। तो मान लिया कि पहले डाइस पे अगर वन आया और दूसरे पर भी वन आ गया, अच्छी बात, पहले पे वन आया दूसरे पे दो आ गया, पहले पे वन दूसरे पे तीन आ गया, पहले पे वन दूसरे पे चार आ गया, या और छोटा छोटा लिखते हैं जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट समझ में आए, ठीक। तो हमने क्या कहा कि पहले पे वन आया दूसरे पे भी वन आया, ठीक, वन आया टू आया दूसरे पे, ठीक है, पहले पे वन आया दूसरे पे वन आया, पहले पे वन आया दूसरे पे दो, पहले पे वन दूसरे पे थ्री, पहले पे वन दूसरे पे चार, ऐसे, ठीक है। अब मान लिया पहले पे दो आया और दूसरे पे वन आया, दो आया और फिर दूसरे पे दो आया, पहले पे भी दो आया और दूसरे पे तीन आया, पहले दो दूसरा चार, पहले दो दूसरा पाँच, पहले दो दूसरा छः, इस तरीके से आया, ठीक। मान लिया पहले पे तीन दूसरे पे एक, पहले तीन दूसरे दो, तीन 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 चार, ठीक, तीन पाँच, तीन छः, ठीक। पहले पे मान लिया चार आया दूसरे पे एक आया, चार आया दूसरे पे दो आया, पहले चार दूसरे पे तीन, पहले चार दूसरे पे चार, पहले चार दूसरे पे पाँच, पहले चार दूसरे पे छः, ठीक। फिर पाँच आया एक आया, पाँच आया दो आया, पाँच आया तीन आया, पाँच आया चार आया, पाँच आया पाँच आया, पाँच आया छः आया, ठीक। और पहले पे छः आया दूसरे पे एक आया, छः दो, छः तीन, छः चार, छः पाँच और छः छः। तो जब दो डाइस को साइमल्टेनियसली रोल करते हैं तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये सब क्या है उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मान लो पहले भी डाइस पे चार आ गया दूसरे पे तीन आ गया, पहले पे भी तीन आ गया दूसरे पे भी तीन आ गया, पहले पे तीन दूसरे पे चार आ गया, तो ये पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, ठीक है। जब आप दो डाइस को क्या करते हैं, रोल करते हैं, जब आप दो डाइस को रोल करते हैं, ठीक। तो कितने हैं ये, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, यानी सिक्स सिक्सा 36। तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36 हैं, 36, ठीक, 36। अब कहा गया कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन दोनों नंबरों को, यानी दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आए हैं उन दोनों को ऐड करने पर इवन आ जाए, इवन आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 1 1 2 एक हो गया, ठीक, एक दो एक तीन, ये नहीं होगा, तीन एक चार ये भी इवन है, ठीक, तो दो हो गए, ठीक, चार एक पाँच ये नहीं होगा, पाँच एक छः ये हो गया तीसरा नंबर, ठीक है, छः एक सात नहीं होगा, दो एक तीन नहीं होगा, दो दो चार होगा, पाँच नहीं होगा,
चार दो छः, छः होगा यानी पाँचवा नंबर, ठीक है। पाँच दो सात इवन नहीं है, छः दो आठ इवन है, ठीक है। तीन एक चार इवन है, तीन दो पाँच नहीं है, तीन तीन, तीन तीन छः इवन है, ठीक है। इस तरह से आप ऐड देखते रहिए कि दो नंबरों को ऐड करने पे इवन कितनी बार आ रहा है। तो आपको यहाँ से देखकर ही पता चल गया होगा कि एक छोड़ करके आपका आ रहा है क्या, एक छोड़ करके आपका क्या आ रहा है। पहली लाइन में कितने इवन है, एक ये इवन है, एक ये इवन है, एक ये इवन है, पहली लाइन में तीन इवन है। दूसरी लाइन में एक ये इवन है, एक ये इवन है, फिर एक ये इवन है, तीन इसमें भी हैं। तीसरी लाइन में एक इवन ये है, एक इवन ये है, एक इवन ये है, ठीक है ना। ऐड करने पर तीसरे में भी तीन है, यानी हर लाइन में आपको तीन तीन इवन नंबर मिल रहे हैं सम करने पर दोनों डाइस के नंबर्स को, ठीक है। तो कितने लाइनें हैं यहाँ पर, कितने रो हैं, छः, तो सिक्स थ्री जा एट्टीन, यानी आपका जो पॉसिबल आउटकम है वो कितना है, एट्टीन, ठीक है ना। तो पहले का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, पहले का जो आंसर आएगा वो आएगा एट्टीन अपॉन 36, टोटल कितना है 36, काटेंगे कितना आएगा 1/2। तो इस बात की पॉसिबिलिटी कि दो डाइस को रोल करें और उनके ऊपर आने वाले नंबर का सम कितना हो जाए, इवन नंबर हो जाए, तो उस बात की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/2, हाफ चांस, हाफ चांस है, कितना है, हाफ चांस, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं, द सम एज ए प्राइम नंबर, ठीक है। सम करने पर आपका क्या निकल कर आए, प्राइम नंबर निकल के आए, ठीक है। क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, सम करने पर जो है आपका प्राइम नंबर आए, तो ऐसे कितने नंबर आपके पॉसिबल हैं, बताइए कितने नंबर, पहले आप खुद से इसको करेंगे। सम करने पर प्राइम आए, ऐसे कितने नंबर हैं, तो एक ये हो गया, एक एक दो, दो एक तीन, दो नंबर हो गया, ठीक। एक दो, ये नहीं, ये हो जाएगा आपका तीन, ये नहीं, ये हो जाएगा आपका सात, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका, ठीक है, फिर आपका ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक। फिर आपका ये नहीं, ये हो जाएगा आपका, ठीक। ये नहीं, आपका ये भी नहीं, ये हो जाएगा आपका आठ, ठीक है। ये नहीं, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, नौ, नौ तक पहुंच गए। ये आपका नहीं, ये भी आपका नहीं, ये आपका हो जाएगा, ठीक। दस, सम करने पर प्राइम आना चाहिए, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका ग्यारह, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा आपका बारह, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका होगा पाँच, पाँच दस, नहीं ये भी नहीं होगा, छः पाँच ग्यारह, ये आपका होगा तेरह, छः एक सात, ये होगा आपका चौदह, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ऐड करने पर देखिए प्राइम नहीं होंगे, ऐड करिए छः पाँच ग्यारह, ये होगा, वो लास्ट वाला नहीं होगा, ठीक है। तो 15 ऐसे नंबर निकल के आए जिनको सम करने पर आपका प्राइम नंबर आता है, सम करने पर आपका क्या आता है, प्राइम नंबर आता है, ठीक है ना। सम करने पर आपका क्या आता है, प्राइम नंबर आता है। तो ऐसे कितने नंबर हैं फेवरेबल आउटकम, 15 हैं, टोटल कितने हैं 36, तीन से काट दीजिए, तीन पचे पंद्रह, बारह तीन छत्तीस, ये आपका करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, यहां तक, यहां तक आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत यहां तक किसी स्टूडेंट को, किसी दोस्त को, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई गहमा गहमी किसी तरह की है, नहीं आया ना कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ डबलेट ऑफ इवन नंबर, ठीक है, यानी दोनों डाइस पर सेम इवन नंबर आए, दोनों डाइस पर सेम इवन नंबर आए, तो सेम वाली लाइन आपको ये दिख रही है, ये आपकी सेम वाली लाइन, ठीक है ना, सेम वाली लाइन आपको ये दिख रही है। तो इसमें इवन वाले कितने हैं, एक, दो और ये तीन, तीन ही ऐसे फेवरेबल आउटकम है, ठीक है ना। तो फेवरेबल कितने, थ्री, टोटल कितना 36, आ गया 1/12, कितना आ गया 1/12। आगे बढ़ें, चलिए
चौथा सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पर सेम नंबर आए, तो हमने ये लाइन आपको खींची है, यही वो लाइन है जिस पे सेम नंबर आता है। तो कितने नंबर हैं यहाँ पर? 6। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। टोटल कितने? 36। तो 1/6। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई दिक्कत? ठीक, अब इसको किनारे को रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ रहा मज़ा कि नहीं? क्वेश्चन करते चलना है आपको, तभी आपको मज़ा आएगा। अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, कितना था? कौन सा नंबर था? 5वां। ठीक, अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, यानी दोनों नंबर को ऐड करने पर कम से कम 10 आना चाहिए। ठीक है, कम से कम 10 या 10 से ज़्यादा भी आ सकता है। तो ऊपर वाले 10 तक पहुँचेंगे नहीं, 6, 1, 7 तक हाईएस्ट है। यहाँ पर देखिए, नीचे दूसरे लाइन में भी 10 तक नहीं पहुँचेगा, 6, 2, 8 तक है। तीसरी लाइन में देखिए, तीसरी लाइन में भी 6, 3, 9 तक 10 तक नहीं पहुँचेगा। ठीक है, 10 तक पहुँचेगा कहाँ से? कम से कम 10 होना चाहिए, तो यहाँ से पहुँच रहा है, 6, 4, 10 यहाँ से पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ से पहुँचेगा कहाँ से? 6, 4, 10 आपको दिख रहा होगा, 4 और 6, 4 और 6 आपको दिख रहा है, ये आपको 4 और 6 दिख रहा है। ठीक है ना, 4 और 6 आपको यहाँ से दिखा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कम से कम 10 वाला। तो 4, 6 एक हो गया, लेकिन फिर ये 10 नहीं, ये भी 10 नहीं, ये भी 10 नहीं, ये 10 हो सकता है, ये 10, ये भी 10 नहीं, 5, 4, 9 हुआ, 5, 5, 10 ये है। ठीक है, तो ये 4, 6 और 5, 5, ठीक है, ये हुआ। फिर आपको देख रहा होगा, तो ये 6, 4 ये भी 10 है, फिर 6, 5, 11 ये भी कम से कम 10, 6, 5, 11 और एक ये। तो ये 3, 2, 5, 1, 6 नंबर ऐसे हैं जिनका सम कम से कम 10 है, जिनका सम कम से कम 10 है। मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? 6, 6, 12 हो सकता है। दो डाइस रोल किए हैं, तो पहले पे भी 6 आ जाए, दूसरे पे भी 6 आ जाए, तो मैक्सिमम 12 पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है ना, तो कम से कम 10 आ जाए सम, इसके कितने फेवरेबल आउटकम है? 6। टोटल कितना? 36, तो 1/6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर सिर्फ आप करेंगे, होमवर्क है आपके लिए, और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। अ मल्टीपल ऑफ 3 एज सम, हम नंबरों को जोड़ें और कौन सा नंबर जोड़ने पर 3 से डिवाइड होता है, ऐसे कितने नंबर हैं जिनको जोड़ दें, जैसे 4, 2, 6 जोड़ दिया तो 3 से डिवाइड है, 2, 1, 3 जोड़ दिया तो 3 से डिवाइड है, तो सम करने पर वो 3 का मल्टीपल हो जाए, ऐसे कितने नंबर हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपको बताना है, आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्या है होमवर्क है? ये आपको कमेंट करके बताना है। एक और क्वेश्चन जो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, अ मल्टीपल ऑफ 2, अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन साइड एंड अ मल्टीपल ऑफ 3
ऑन अदर साइड। ठीक, तो एक पासे पर दो का मल्टीपल आ जाए और दूसरे पासे पर तीन का मल्टीपल आ जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? यह भी आपका क्वेश्चन होमवर्क है, ये भी आपका क्वेश्चन होमवर्क है। दोनों ही क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जैसे ही आप बताएंगे और हम आपका आंसर देंगे। अगर आपको नहीं आता है तो हम आपको आंसर बताएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज आपको सबसे पहले कमेंट करना है इन दोनों का आंसर, ठीक है, ठीक है ना। ऐड करने पर दोनों नंबर को तीन का मल्टीपल हो जाएगा, ऐसे कितने नंबर, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और ऐसे कितने नंबर यहाँ पर हैं जो पहले डाइस पर दो का मल्टीपल हो जाए और तीसरे दूसरे डाइस पर तीन का मल्टीपल हो जाए, इस बात की भी क्या प्रोबेबिलिटी, और ऐसे कितने यहाँ पर पेयर मिल रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। आई बात समझ में? लोग प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। वो जो ताश के पत्ते होते हैं ना, जो ताश के पत्ते तीन पत्ती आप खेलते हैं, पता नहीं खेलते होंगे कि नहीं खेलते होंगे, हमें नहीं मालूम, तो वो उसी के बारे में हम बात करेंगे। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे यहाँ पर आज, ठीक है ना। तो कल या फिर पिछले लेक्चर में बात करें तो आपको जो पढ़ाया गया था वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई थी कि नहीं आ गई थी। कुछ क्वेश्चन हमने आपको दिया था, उस क्वेश्चन का आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और नहीं आता तो आप हमसे पूछिए, ठीक है। आप अगर अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप उसका क्वेश्चन पूछिए, पहले आंसर दीजिए फिर पूछिए कि क्या ये सही है। अगर नहीं सही होगा तो हम आपको उसका आंसर बताएंगे, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को आपको करना है। देखिए, प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, ठीक, प्लेइंग कार्ड्स में कितने पत्ते होते हैं? आप सब जानते हैं कि 52 पत्ते होते हैं। कितने? 52। कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक। 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से जो 26 कार्ड होते हैं, जिसमें से 26 कार्ड रेड होते हैं और 26 आपके ब्लैक होते हैं, ठीक है। 26 जो कार्ड होते हैं वो रेड होते हैं और 26 ही आपके क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं, काले, ठीक है। 26 ही आपके क्या होते हैं? काले, ठीक है। 26 रेड होते हैं और 26 आपके ब्लैक होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 रेड होते हैं और 26 आपके क्या होते हैं? ब्लैक। धीरे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको आप समझ सकते हैं, देखिएगा। और इस 26 में से जो 13 कार्ड होते हैं, 13 कार्ड्स, वो हर्ट के होते हैं। किसके होते हैं? हर्ट के। दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, किसी से दिल लगा के तो देखो, यही है आपका हर्ट, ठीक है ना। हर्ट जिसको हिंदी में हम लोग पान मो खई के पान बना रस वाला, ये पान कहते हैं, ठीक है ना। तो 13 पत्ते 13 कार्ड, 13 कार्ड्स आपके हर्ट के होते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पान। 13 कार्ड्स और आपके इसमें होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डायमंड। डायमंड, डायमंड, ये डायमंड, इसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं? ईंट। ईंट से ईंट बजा दो, ईंट से ईंट, क्या बोलते हैं इसको? ईंट, ठीक है ना। 13 कार्ड्स आपके हार्ट के होते हैं, 13 आपके डायमंड के होते हैं। एच डी कार्ड्स आपके रेड होते हैं, याद रखिएगा। HD कार्ड्स आपके क्या होते हैं? रेड, ठीक है। HD कार्ड आपके क्या होते हैं? रेड। HD मतलब हाई डिफिनीशन, हाई डिफिनीशन क्या होते हैं? रेड। इसमें से 13 कार्ड्स हर्ट के होते हैं, आपको दिख रहा हो 13 कार्ड्स हर्ट, 13 कार्ड्स आपके डायमंड के होते हैं, हर्ट इससे होता है और डायमंड ये। आई बात समझ? अब ब्लैक कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। ब्लैक में भी आपका देखिएगा, ब्लैक में 13 कार्ड आपके स्पेड के होते हैं, 13 स्पेड्स होते हैं। क्या होते हैं? 13 स्पेड, स्पेड मतलब फावड़ा नहीं,
13 स्पेड होते हैं जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हुकुम का इक्का बॉस, हुकुम का इक्का बॉस, बौसम 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 क्या होता है ये हुकुम, इसको बोलते हैं हुकुम, ठीक है। स्पेड को क्या बोलते हैं हम लोग? हुकुम बोलते हैं। हुकुम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए हम बना पाते हैं कि नहीं, ऐसे कुछ होता है इस तरह से, ये आपका हुकुम होता है, कुछ इसी तरह से होता है, देखिएगा पता नहीं ऐसे ही होता है हल्का फुल्का, मेरी ड्राइंग नहीं है इतनी अच्छी इतनी। ये आपका क्या हुकुम, ठीक है ना। तो 13 कार्ड्स आपके स्पेड के होते हैं, हुकुम के होते हैं, और 13 ही कार्ड आपके होते हैं किसके? क्लब के। 13 कार्ड आपके होते हैं क्लब्स के, ठीक, क्लब्स के, ठीक है। 13 क्लब्स, क्लब को हिंदी में बोलते हैं चिड़ी, क्या बोलते हैं? चिड़ी बोलते हैं, चिड़ी। और चिड़ी का साइन कुछ ऐसा होता है, देखिए ऐसा होता है चिड़ी का साइन, ये इस तरह से होता है कुछ चिड़ी, ठीक है। क्लब, तो रेड कार्ड आप कैसे याद करेंगे? एचडी कार्ड रेड होते हैं। ब्लैक कार्ड क्या होते हैं? एससी कार्ड्स ब्लैक होते हैं, एससी शेड्यूल कास्ट ब्लैक होते हैं, याद रखिएगा। हाई डिफिनेशन क्वालिटी रेड होती है, याद रखिएगा, ठीक है। हर्ट मतलब पान होता है, डायमंड मतलब ईंट होता है, स्पेड मतलब हुकुम होता है, क्लब मींस चिड़ी होता है, इस बात को आपको याद रखना है। और एक बात हम आपको बता दें, जैसे 52 कार्ड्स के बारे में 26 26 13 13 हो गई बात यहाँ पर, ठीक है। और सभी जो 13 कार्ड्स होते हैं, उस 13 कार्ड्स कैसे होते हैं देखिए, तो जो आपके ये 13 कार्ड्स हैं, वो 13 कार्ड्स होते कौन कौन से कार्ड्स हैं ये आपको पहले जानना है, ठीक है ना। तो 13 कार्ड्स में एक 2 नंबर का कार्ड होता है, 3 नंबर का, 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर का कार्ड होता है, ठीक है। तो ठीक, फिर एक जैक का कार्ड होता है जिसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जैक का कार्ड होता है। उसके बाद क्वीन का, बेगम, जैक मतलब गुलाम, बेगम साहिबा का भी एक कार्ड होता है ना मेरी प्यारी बेगम, क्यून। और एक राजा जी होते हैं किंग, और उसके बाद एस होता है इक्का, इसको वन कहते हैं, वन यहाँ नहीं, देखिए अगर सीरियल वाइज लिखेंगे तो वन यहाँ पर आएगा, लेकिन एस जो होता है एस, एस को इक्का बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा सुपीरियरिटी वाला कार्ड होता है, किंग से भी ज़्यादा सुपीरियर होता है कौन? एस। किंग से भी ज़्यादा सुपीरियर कौन होता है? एस, यानी वन नंबर का कार्ड जो होता है एस, ठीक है। अब आप गिन लीजिए यहाँ तक, 10 तक कितने हो गए? 9 9 1 10 3 13, तो यही 13 कार्ड इसमें, सब में ही 13 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। सब में 13 कार्ड हार्ट के भी इस तरह से होते हैं, 13 कार्ड डायमंड के भी इस तरह से, 13 स्पेड के, 13 क्लब के, सबके इसी तरह से आपके कार्ड होते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो 13 में ये जो कार्ड होते हैं जे क्यू और के, जैक क्वीन और किंग के जो कार्ड होते हैं, गुलाम बेगम और राजा का कार्ड, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड, ठीक है ना। तो आप देखेंगे एक 13 में 3 3 फेस कार्ड होते हैं, हार्ट के भी 3 फेस कार्ड, डायमंड के भी 3 फेस कार्ड, स्पेड के भी 3 फेस कार्ड और क्लब के भी 3 फेस कार्ड्स, ठीक है ना। तो सबके पास 3 3 फेस कार्ड्स हो गए, ठीक है। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? तो 52 पत्तों में 3 चौके 12 12 फेस कार्ड्स हो गए। तो 52 पत्ते में जो 12 है, 12 फेस कार्ड्स हो गए। 52 पत्ते में आपका 12 पत्ते फेस कार्ड्स के हो गए, ठीक है। 12 कार्ड्स में से, सॉरी 52 कार्ड्स में से 12 आपके फेस कार्ड्स हो गए। आई बात समझ में? ठीक है। फेस कार्ड्स किन्हें बोलते हैं? यही है, जैक क्वीन और किंग वाले कार्ड को फेस कार्ड बोलते हैं। एस सबसे ज्यादा सुपीरियर कार्ड होता है, वो एस का होता है, इक्के का होता है, ठीक है। जो 52 कार्ड्स हैं वो 26 26 में डिवाइड होते हैं, रेड और ब्लैक में। रेड वाले आपके हार्ट और डायमंड होते हैं, एचडी होते हैं। ब्लैक वाले आपके एससी होते हैं, स्पेड और क्लब होते हैं। हिंदी भी हमने लिख दी, चित्र भी हमने बना दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे इसके बेसिस पर।
अब इसके बेसिस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप चाहें तो पहले स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको याद रहे क्या क्या लिखा गया। ये इतनी छोटी सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप। ठीक, ले लिया ले लिया ले लिया। 1 2 3। ठीक, छोटी सी चीज़ है आपको याद रखना है। अब इसको हम रफ कर दें। गुलाम बेगम राजा, गुलाम बेगम राजा, चलिए आपको हम क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन आप करके दिखाइए तो हम समझ जाएंगे कि आपको सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन। वन कार्ड इज ड्रॉन, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ या पैक ऑफ, कुछ भी बोल सकते हैं। वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ईच ऑफ द 52 कार्ड्स being equally likely का मतलब होता है कि सबके आने की संभावना एक जैसी है, सभी कार्ड्स के आने की संभावना एक जैसी है। ऐसा नहीं कि कोई कार्ड मोटा है, कोई कार्ड पतला है, बेईमानी हो जाएगी, मोटे वाला कार्ड के आने की संभावना ज़्यादा है, ऐसी नहीं। ठीक है ना, ऐसा नहीं। ठीक है, सारे कार्ड्स हैं, सारे कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है, एक जैसी है। अगर एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी 1/52 है तो दूसरे की भी 1/52, तीसरे की भी 1/52, चौथे की भी 1/52, सबकी इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, आर ऑल इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the card drawn is पहला, इस बात की क्या प्रॉबेबिलिटी है कि जो कार्ड आपने 52 पत्ते में से निकाला है, जो कार्ड, वो पहला क्वेश्चन, वो एक एस होगा, वो एक एस होगा। आपके सामने 52 पत्ते हैं। ठीक है ना, अब 52 में से आपसे कहा गया आपको एक कार्ड निकालना है, तो वो कार्ड एस का निकल जाए, इक्के का निकल जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको सबसे पहले समझना है कि इक्का कितना है, एस के कितने कार्ड्स हैं। ठीक है ना, तो एस के कितने कार्ड्स होते हैं, हमने बताया था कि सभी 13 में एक एस होता है। ठीक है ना, जितने भी 13 कार्ड्स होते हैं, हर्ट्स में भी एक कार्ड एस का होता है, जो है डायमंड में भी एक कार्ड एस का होता है, स्पेड में भी एक एस होता है, क्लब में भी एक एस होता है, यानी कुल मिला करके टोटल 4 एस हो गए, यानी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 4। टोटल कार्ड्स कितने, 52, काटेंगे 4 13। आज बात समझ में, यानी एस के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/13, कितनी है, 1/13। एस के आने की यानी इक्के के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/13। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि रेड कार्ड,
आपने निकाला, ठीक है, 52 पत्ते में से एक पत्ता निकाला और रेड कार्ड निकल जाए, इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड कार्ड निकल जाए, बताइए। तो आप पहले ये देखेंगे कि रेड कार्ड हैं कितने, ताकि हम फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख सकें, नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख सकें, बात समझ में आई। तो कितने कार्ड रेड होते हैं, 26 कार्ड रेड होते हैं, हमने आपको बताया। आधे कार्ड कितने होते हैं, 26, कितने 26 रेड होते हैं, यानी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम 26, टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, 1/2, तो हाफ चांस है कि रेड आए, ठीक है, और हाफ ब्लैक का भी होता है, ठीक है ना, क्योंकि 26 ब्लैक होते हैं और 26 ही रेड होते हैं, आई बात समझ में। चलिए तीसरा क्वेश्चन इसी में, तीसरा क्वेश्चन है आइदर रेड और किंग, ध्यान दीजिएगा, आइदर रेड और किंग, यानी या तो रेड निकल जाए या तो किंग निकल जाए, या तो रेड निकल जाए या तो किंग निकल जाए। तो रेड निकल जाए इसका मतलब 26 रेड होते हैं, ठीक है, लेकिन किंग निकल जाए तो किंग रेड में भी होता है, ब्लैक में भी होता है किंग, ठीक है ना, किंग ब्लैक में भी होता है किंग कि नहीं, स्पेड में भी आपका होता है एक किंग, और एक किंग क्लब में भी होता है। तो रेड वाले किंग की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि रेड तो पूरा ले लिया गया, उसमें किंग उंग सब आ गए, किंग क्वीन जैक जोकर सब जितने भी होते हैं सब आ गए, कोई दिक्कत। रेड में सारे रेड कार्ड ले लिए गए, जितने भी रेड कार्ड होते हैं, 13 कार्ड हार्ट के लिए लिए गए, 13 डायमंड के लिए लिए गए, उसमें सब आ गए, किंग भी आ गया, लेकिन दो किंग और है जो बच रहा है, एक किंग स्पेड का और एक किंग क्लब का, किसका, क्लब का, यानी टोटल कितने कार्ड्स हो गए, कितनी फेवरेबल आउटकम हो गए, 26 आपका रेड और दो आपका किंग और बच रहा है जो ब्लैक में से है, ठीक है, तो टोटल 28 आपका फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम हो गया 28, तो 28 अपॉन कितना लिखेंगे 52, ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गई है कि रेड या फिर किंग आने की प्रोबेबिलिटी 28/52, काट दीजिए 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18 और ये हो गया 19/26 19/26 करेक्ट आंसर, आई बात समझ में। चलिए चौथा क्वेश्चन इसी में देखते हैं, रेड एंड अ किंग, देखिएगा रेड एंड अ किंग, देखिए यहां पर था आइदर रेड और किंग, या तो रेड आ जाए या तो किंग आ जाए, इसलिए दोनों को जोड़ना पड़ा, रेड भी आ सकता है किंग भी आ सकता है, इसलिए इसको जोड़ना पड़ा, लेकिन या तो की बात नहीं, यहां पर रेड भी हो किंग भी हो, रेड भी हो किंग भी हो, अगर हमने स्पेड का किंग उठा लिया तो फिर वो रेड नहीं रह गया, हमने क्लब का किंग उठा लिया तो वो रेड नहीं रह गया, यानी आपको किंग लेना है किसका, रेड का, रेड के कितने किंग, दो ही किंग, एक हार्ट का किंग और दूसरा डायमंड का किंग, यानी दो ही फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम है जो रेड भी हैं किंग भी हैं, कितने आउटकम, दो, ठीक, टोटल कितने 52, तो कितने हो गया 1/26, आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने निकाला एक कार्ड, तो फेस कार्ड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, फेस कार्ड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है, तो फेस कार्ड आने की पॉसिबिलिटी तभी हम चेक कर पाएंगे जब हमको पता होगा फेस कार्ड्स कितने हैं। तो हमने आपको बताया था 52 पत्ते में से 12 पत्ते फेस कार्ड्स के होते हैं, ठीक है, तो 12 आपका फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम हो गया अपॉन 52, कितना हो गया आपका, 4 × 3 = 12 और 13 × 52 3/13, तो फेस कार्ड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 3/13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ने से पहले इसको हम रब करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत है आप लोग नोट करिए, फिर आगे और क्वेश्चन कराते हैं हम आपको, नोट कर लीजिए आप लोग।
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक हो गया सिक्स। अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? रेड फेस कार्ड, तो रेड में कितने क्या क्या है? हार्ट है और डायमंड है। तो हार्ट के पास आपके तीन फेस कार्ड, ठीक, डायमंड के पास भी आपके तीन फेस कार्ड, ठीक है, तो छह रेड फेस कार्ड हो गए। तो रेड फेस कार्ड कितने हैं? छह। कितने? छह, ठीक। और अपॉन 52, दो से काट दीजिए, दो तीन आए छः और 26, तो ये आपका हो गया, प्रोबेबिलिटी निकल गई। आइए टू ऑफ स्पेड्स, आपने 52 पत्ते में से एक पत्ता निकाला, ठीक है, तो स्पेड का दो आ रहा है, स्पेड का दो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यानी हुकुम का दो आ जाए, हुकुम का इक्का नहीं, हुकुम का दुक्का आ जाए, इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है? इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि हुकुम का दुक्का आ जाए? हुकुम का दुक्का तो बेचारा एक ही कार्ड है, स्पेड ऑफ टू तो वन ही है, एक ही कार्ड है स्पेड का टू, वो एक ही कार्ड है पूरे 52 पत्ते में से, एक ही कार्ड है जो दो है, लेकिन स्पेड का दो है, वो एक ही कार्ड है। दुक्का आपको मिलेगा, दुक्का आपको हार्ट का मिलेगा, फिर दुक्का आपको मिलेगा डायमंड का मिलेगा, दुक्का आपको क्लब चिड़ी का मिलेगा, लेकिन दुक्का आपको स्पेड का सिर्फ एक ही मिलेगा, तो आपके पॉसिबिलिटी हो जाएगी 1/, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 1/52, ठीक। आठवां देखिए, टेन ऑफ ब्लैक, टेन ऑफ ब्लैक, ठीक है, ठीक है। तो ब्लैक में कौन कौन होता है? स्पेड होता है, क्लब होता है, तो स्पेड में एक दस होता है और एक दस आपका क्लब में होता है, यानी ब्लैक में दो दस होते हैं, ब्लैक कलर के दो दस होते हैं, ब्लैक कलर के दो दस होते हैं, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? टू। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52, 1/26। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर एट, एर्थ नहीं, नाइन्थ। अ किंग, एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या? तो चारों 13 में एक एक किंग होते हैं, हर्ट में भी एक किंग होता है, डायमंड में भी एक किंग होता है, स्पेड में भी एक किंग होता है, और क्लब में भी एक किंग होता है, सब में एक एक किंग होते हैं, तो हो गए टोटल चार राजा। कितने राजा? चार राजा हो गए टोटल, ठीक है, तो चार अपान 52, ठीक है, तो चार एकम चार और 13, 1/13, ठीक। तो राजा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/13, 1/13। अब राजा आ गए तो रानी के बारे में भी बात कर लिया जाए, ए क्वीन बेगम के आने की क्या संभावना है जब आप एक कार्ड निकालते हैं? तो वही बात, हार्ट में भी एक क्वीन होते हैं, डायमंड में भी एक क्वीन, स्पेड में भी एक क्वीन, और क्लब में भी एक क्वीन, ठीक है ना, पान में भी एक क्वीन होता है, ठीक है ना, एक क्वीन होती है मतलब, ठीक है, पान में भी एक क्वीन होती है, एक बेगम होती है पान में, एक बेगम होती है ईंट में, एक बेगम होती है हुक्म में, एक बेगम होती है चिड़ी में, तो टोटल हो गई चार बेगम। चार बेगम का क्या करेंगे आप? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो चार बेगम फेवरेबल हो गई और 52 पत्ते हैं टोटल, ठीक है, चार बेगम के पत्ते और 52 टोटल पत्ते, तो कितनी हो गया? 1/13, 1/13 पॉसिबिलिटी है बेगम के आने की जब आप 52 पत्ते में से एक पत्ता निकालते हैं। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी जितने भी बन सकती थी, क्वेश्चन बन सकते थे, कंसेप्ट बन सकते थे, हमने आपको करा दिया है। अब आपका काम है आप क्वेश्चन लगाते रहें, और यहाँ से जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है वो हमसे पूछते रहें, स्क्रीनशॉट के माध्यम से, कमेंट सेक्शन के माध्यम से, व्हाट्सएप नंबर से, कहीं से भी, और ठीक है, यहाँ तक आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नहीं समझ में आता बार बार देखिए, फिर नहीं समझ में आता फिर आप हमसे पूछिए, आपको ज़रूर आएगी बात समझ में, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हो सकती थी अगर
हमने आपको करा दिया है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत समय लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी हम आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप पीछे ना रह जाएं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कम से कम एक लाइक तो कर सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। आप कुछ नहीं तो एक लाइक तो कर सकते हैं, एक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब का बटन तक नहीं दबा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कम से कम लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ठीक है ना। जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं सब्सक्राइब कर किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक आप लोग करते रहें ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार वीडियो लाते हैं, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ है कि आप हमें मोटिवेट करें, तभी हम आपको भी मोटिवेट और इंस्पायर कर पाएंगे। आपको कुछ रुपया पैसा नहीं देना है, ना दौलत लुटानी है, सिर्फ दो क्लिक भर करने, एक लाइक का, एक सब्सक्राइब का, और आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक, अगले चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स के साथ, ठीक है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो गई, अब आप मौज मस्ती से एक क्वेश्चन करिए। थैंक यू सो मच।